हैं, यानी कि ये भी बड़े लोग हो गए, तो इन दोनों पे हमें कंट्रोल करना पड़ेगा, इसलिए इन दोनों के लिए नॉर्म्स बताए गए हैं। इन पे यानी कि सेकंड वाले पार्ट पे ये नॉर्म्स जो आगे बता रहा हूँ वो फॉलो नहीं होते। तो आप ध्यान दे रहा कौन कौन से नॉर्म्स हैं, नंबर लिखेंगे ए यहाँ पे, नंबर ए कौन कौन से नॉर्म्स फॉलो करना पड़ेगा। तो नॉर्म्स रिलेटेड टू इनकम रिकॉग्निशन, आपको इनकम जो है वो कैसे रिकॉग्नाइज करना है, ये सारे न्यूमेरिकल पार्ट शुरू हो जाएंगे। इनकम रिकॉग्निशन, गलत लिखा, फिर लिखेंगे आप यहां पे एसेट्स क्लासिफिकेशन, फिर लिखेंगे आप यहां पे प्रोविजनिंग नॉर्म्स, प्रोविजन्स जो बनाने हैं वो कैसे कैसे कितने कितने के बनाने हैं। बी इनको CRAR, कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट्स रेशियो के बारे में इनको फॉलो करना होगा नॉर्म्स। एंड क्रेडिट कॉन्सेंट्रेशन, नॉर्म्स फॉलो करने होंगे। ये नॉर्म्स क्या है हम आगे आपको बताएंगे, लेकिन ध्यान रखना मेरे बच्चे, यहाँ पे आपको बताया गया कि जो हमारे NBFCs हैं, कौन से दो, एक तो पहले नंबर ए एंड नंबर सी, इन पे RBI का एक्सेसिव कंट्रोल होता है, क्योंकि ये वो लोग हैं जो बहुत बड़े स्केल पे काम कर रहे हैं, या फिर ऐसा कह दो जो पब्लिक से डिपॉजिट्स लेते हैं, तो इन पे RBI के नॉर्म्स फॉलो करने होते हैं, अदरवाइज हो सकता है कि ये गलत तरीके से काम करें और पब्लिक का पैसा खराब हो जाए मेरे बच्चे। तो ये तीन ऐसे नॉर्म्स हैं जो इनको काम करना पड़ेगा, हम इन्हीं को धीरे धीरे स्टडी करेंगे। आज पहले हम देखते हैं इनकम रिकॉग्निशन को लेकर, मैं इसको मिटाता हूँ, और ये नॉर्म्स जो आपके पास हैं उसमें इनकम रिकॉग्निशन यानी कि आप जो अपने एक साल में इनकम को रिकॉग्नाइज करेंगे वो क्लासिफिकेशन कैसे होगा, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। इनकम कौन सा जो आपका मेन काम है उससे जी, आप बताओ ये NBFC का मेन काम क्या है, लोन्स एडवांसेज देना, कर्ज देना, या फिर हायर परचेज या लीज को फाइनेंस करना, इन्वेस्टमेंट करना शेयर्स में, डिवेंचर्स में, बॉन्ड्स में, है ना बच्चे। तो इन जगहों से जो उनको इनकम होगा वो इनकम कैसे रिकॉग्नाइज किया जाएगा, कितना किया जाएगा, हम उसी के बारे में स्टडी करना शुरू करेंगे। आइए जरा लिखेंगे, पहले आप यहाँ पे नंबर ए आप हेडिंग डालेंगे आज का, यहाँ पे इनकम रिकॉग्निशन। इनकम जो रिकॉग्निशन इन लोगों का होगा NBFCs का, वो कैसे कैसे होगा मेरे बच्चे, उसके बारे में बात कर ले यहाँ पे आपका। तो इसमें नंबर वन पहले लिखो आप इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट ऑब्लिक डिस्काउंट कहता है ऑन किस पे जी, लोन्स एंड एडवांसेज जो आपने कर्ज दिए हैं पब्लिक को, इंडस्ट्री को, फर्म को, तो इन पे हम इनकम का रिकॉग्निशन कैसे करेंगे, NBFC कैसे करेगी, हम उनके बारे में यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। मतलब बच्चे करते क्या है कि जितने भी आपके लोन्स एडवांसेज हैं, इन्होंने क्या किया है ध्यान देंगे, जितने भी आपके लोन्स एडवांसेज हैं यहाँ पे लोन्स एंड एडवांसेज, ये सारे लोन्स एडवांसेज को, यानी कि ये लोन्स एडवांसेज जरा बताओ ये NBFC का क्या है, एसेट्स है मेरे बच्चे, ये एसेट्स है क्योंकि उन्होंने कर्ज किसी को दिया हुआ है। कहते हैं कि आप इस पे इनकम को रिकॉग्नाइज करने के पहले आप इसको दो पार्ट में डिवाइड करो, कौन सा, एक होता है परफॉर्मिंग एसेट्स, एक इसमें परफॉर्मिंग एसेट्स जिसको हम शॉर्ट में PA बोलेंगे, और एक होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, इसको शॉर्ट में हम NPA कहेंगे। मतलब बच्चे जितने भी इन्होंने कर्ज दिए हैं उसको, उसमें से उनको पहले बताना होगा कितना हमारा PA है, कितना हमारा NPA है। सर PA किसको बोलते हैं, तो लिखो आप यहाँ पे दोज लोन्स एंड एडवांसेज ऑन विच बैंक रिसीव्स, माफ कीजिए बैंक नहीं, यहाँ पे NBFC, एक्चुअली बैंक में भी यही डेफिनेशन चलता है, वहाँ कुछ पीरियड बस अलग अलग है। दोज लोन्स एंड एडवांसेज ऑन विच NBFC रिसीव्स
रेगुलर इंस्टॉलमेंट्स विदाउट एनी डिफॉल्ट, और कहता है कि पीरियड ऑफ डिफॉल्ट, डज नॉट एक्सीड नॉर्मल रिस्क. मतलब किसी ने डिफॉल्ट अगर किया है तो नॉर्मल जो डिफॉल्ट का जो रिस्क है उसको एक्सीड नहीं किया. सर ये कितना समय माना जाएगा? 6 मंथ्स मेरे बच्चे. यानी कि अगर कोई आदमी NBFC से लोन एडवांस से लिया है और वो अगर डिफॉल्ट करता है पेमेंट करने में, आज उसने डिफॉल्ट किया लेकिन वो डिफॉल्ट का पीरियड अभी तक 6 महीने का क्रॉस नहीं किया है तो भी हम उसको पीए ही कहेंगे, मेरे बच्चे. लेकिन कहते हैं कि इफ़, यहाँ पे इफ़ पीरियड ऑफ डिफॉल्ट एक्सीड्स 6 मंथ्स. 6 मंथ्स का मतलब क्या हो गया? नॉर्मल रिस्क. अगर नॉर्मल रिस्क जो आपके होते हैं आपके बिजनेस से जुड़े हुए नॉर्मल रिस्क, यानी कि 6 महीने के पीरियड को भी एक्सीड किया. कोई एक ऐसा इंसान है जिसने आपसे कर्ज लिया था लेकिन पिछले 8 महीने से वो पेमेंट नहीं कर रहा, वो 9 महीने से पेमेंट नहीं कर रहा बच्चे, वो 2 साल से पेमेंट नहीं कर रहा है, तो उसको हम फिर क्या बोलेंगे? उसको NPA के कैटेगरी में डालेंगे. कहते हैं हम लोग पढ़ रहे हैं कि ये जो लोन्स एडवांसेज जो कर्ज NBFC ने दिया है वो सारे लोन्स एडवांसेज हमने साल के एंड में पीए या NPA में डिवाइड कर लिया. फिर कहा जाता है भैया अब जो आपका इनकम रिकॉग्निशन होगा, कहते हैं कि जो आपका इनकम रिकॉग्निशन यानी कि इस पे इनकम जो रिकॉग्नाइज किया जाएगा, कौन सा इनकम, कौन सा, तो हम क्या कमाते हैं? इंटरेस्ट कमाते हैं या डिस्काउंट. इंटरेस्ट हो गया लोन के ऊपर में बिल. कोई अगर मान लो किसी ने हमसे डिस्काउंट कराया हुआ है तो बिल जब डिस्काउंट कराते हैं तो NBFC उस पर डिस्काउंट कमाते हैं, डिस्काउंट इनकम आपका BR पे. तो कहते हैं कि जो इनकम रिकॉग्निशन होगा PA पे ये होगा एक्रूअल बेसिस पे, और अगर वो NPA है तो मेरे बच्चे एक्चुअल रिसिप्ट बेसिस. एक्चुअल रिसिप्ट यानी कि अगर हमने वो पैसा रिसीव कर लिया है उनसे तो ही, क्योंकि यहाँ पर डिफॉल्ट हो रहा है. ये कहता है कि जो भी PA होंगे परफॉर्मिंग एसेट्स उनसे जितना भी पैसा आपको, मतलब जितना ड्यू हो चुका है उस सबको आप इनकम मान लो. ये अच्छे लोग हैं, ये खराब लोग नहीं है. तो 1 साल में जितना आपका ड्यू हो चुका उनसे इंटरेस्ट आप उन सबको इनकम मान लो. लेकिन अगर वो NPA होंगे तो जितना आप उनसे रिसीव किए हो, जितना पैसा आपने अभी तक इंटरेस्ट का रिसीव किया है सिर्फ उसी को इनकम मानना है, क्योंकि ये डिफॉल्टिंग लोग हैं, पता नहीं आगे वो आपको पैसा पे करेंगे भी कि नहीं करेंगे. और एक काम करना इसके बाद एक नोट लिख देना, एक नोट नीचे में यहाँ पर आपका कहता है कि एनी सच इनकम कोई भी ऐसा इनकम, एनी सच इनकम रिकॉग्नाइज्ड बिफोर द एसेट एसेट्स का मतलब लोन्स एडवांसेज की बात कर रहे हैं, बिकेम NPA कहता है कि एंड रिमेनिंग अनरियलाइज्ड कहता है कि शैल बी रिवर्स्ड. सर इसका मतलब क्या निकल के आया? देखो अगर सिंपल शब्दों में बात करें तो मान लो कोई आपका जो इस बंदे ने लोन लिया है वो पिछले साल मेरे बच्चे वो PA की कैटेगरी में था, मतलब हमने उसको PA माना था और एक्रूअल बेसिस पे आप उसका इनकम मान देते. इस साल क्या हुआ कि वो NPA बन गया, NPA क्योंकि अब डिफॉल्ट करना शुरू कर दिया है. तो कहते हैं कि जब हमने PA उसको माना था तो एक्रूअल बेसिस पे इनकम माना था. कहता है कि जैसे वो आदमी NPA बन गया, जितना इनकम आप पहले मान चुके हैं लेकिन वो रिसीव नहीं हुआ, आप उसको इस बार क्या करो, रिवर्स कर दो,
रिवर्स का मतलब कि इस बार इनकम को कैंसिल कर दो आपका, कैसे मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन पहले आप इसकी कॉपी कर ले। हो गया सर? हाँ, इसी बात को समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल आपके लिए बनाता हूँ। लिखिए मेरे साथ एग्जांपल नंबर वन यहाँ पे, और बच्चे मैं आपको दे रहा हूँ यहाँ पे लोन्स एंड एडवांसेज, कुछ में लोन्स एडवांसेज आपको दिखा रहा हूँ, आप भी मेरे साथ लिखेंगे, और फिर मैं दिखाता हूँ पीए लोन्स एडवांस, जगह कम पड़ेगा, मैं थोड़ा और इधर जगह ले लेता हूँ। एग्जाम्पल नंबर वन, ये हमारे वो लोन्स एंड एडवांसेज है, वो कर्ज जो हमने पब्लिक को दिया हुआ है, और फिर मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे कुछ एसेट्स जिनको हम आज पीए बोल रहे हैं, आज पीए, और पीए में भी मैं आपको दो कैटेगरी दिखा रहा हूँ बच्चे, दो कैटेगरी आप भी लिखें, पहले समझ लो कितना जगह, उसके बाद एक है आपका इंटरेस्ट, इंटरेस्ट अर्न्ड का मतलब होता है इस साल कितना इंटरेस्ट एक्रू हो चुका, लेकिन इसमें से जो इंटरेस्ट आपने रिसीव कर लिया, रिसीव यानी कि साल के एंड तक जो रिसीव हुआ वो भी बता रहा हूँ मैं आपको, और फिर मेरे बच्चे यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ एनपीए, कुछ जो जिनको हम इस साल एनपीए मान रहे हैं, इसके भी दो पार्ट आप बना लीजिए, दो पार्ट यहाँ पे एनपीए के भी दो पार्ट, एक आपका इंटरेस्ट अर्न्ड, इंटरेस्ट अर्न्ड साथ साथ लिखना आपको, और एक आपका इंटरेस्ट रिसीव्ड, मतलब कितना अर्न हुआ, अर्न यानी कि कितना एक्रू हो चुका है, और उस एक्रूड में से जितना रिसीव कर लिया हम उसको इंटरेस्ट रिसीव का पार्ट बोलेंगे, ठीक है ना। अब देखो जरा मैं क्या करूँगा, मैं कुछ लोन का नाम लिखता हूँ यहाँ पे, जैसे कि एक हो गया टर्म लोन, टर्म लोन यानी कि लंबे समय के लिए जो कर्ज देते हैं, एक आपका कैश क्रेडिट, कैश क्रेडिट ओवरड्राफ्ट देना किसी को, ओवरड्राफ्ट का दूसरा नाम होता है, और फिर तीसरा आप लिखेंगे यहाँ पे बिल्स परचेज्ड, किसी ने आपसे बिल परचेज किया है, बिल्स परचेज्ड सॉरी किसी से मैंने आपसे बिल डिस्काउंट किया हुआ है, तो उसको बिल्स परचेज्ड एंड डिस्काउंटेड कहते हैं, डिस्काउंटेड। ये तीन तरीके का मान लो लोन मेरे बच्चे हमने पब्लिक को हमने दिया हुआ है, और कहता है कि टर्म लोन पे इस साल जिस साल की हम बात कर रहे हैं, मान लो इंटरेस्ट जो अर्न्ड हुआ है वो आपका 2 लाख का अमाउंट है, मतलब 2 लाख रुपए का इंटरेस्ट इस पे एक्रू हो चुका है करंट ईयर में, लेकिन आउट ऑफ 2 लाख अभी तक हमने 1,80,000 का रिसीविंग किया है। कैश क्रेडिट में कहता है कि 1,40,000 का आपका इंटरेस्ट अर्न हुआ है, लेकिन अभी इसमें से हमने 85,000 रिसीव किया है, और बिल परचेज पे मैंने मान लो कि 5 लाख का इंटरेस्ट एक्रू हुआ है, लेकिन इसमें से 4,20,000 हमने अभी तक रिसीव किया है। उसी तरीके से मेरे बच्चे एनपीए जो हमारे एसेट्स बन चुके हैं उन पे इस साल जो इंटरेस्ट एक्रू हो चुका, मतलब जो हमें लेना है वो मान लो यहाँ पे 1,45,000 का अमाउंट आपका है, लेकिन इसमें से अभी हमने 90,000 का अमाउंट ही रिसीव किया है। कैश क्रेडिट पे मान लो 2,50,000 का इंटरेस्ट एक्रू हो चुका है, लेकिन हमने 1,10,000 ही रिसीव किया है, और बिल पे मान लो आपका 7 लाख का इंटरेस्ट आपका अर्न हुआ है, और इसमें से जो रिसीविंग अभी तक हुई है वो मान लो 3,80,000 का, 3,80,000 रुपये, ये तीन ऐसे लिख लो आप यहाँ पे, आपका लिख लेंगे आप, फिर आप लिखेंगे यहाँ पे कैलकुलेट इनकम टू बी रिकॉग्नाइज्ड फॉर द करंट ईयर, जो करंट ईयर आपका है बोलता बताओ, आप इंटरेस्ट इनकम जो है करंट ईयर उसमें कितना आप यहाँ पे रिकॉग्नाइज करेंगे, क्वेश्चन मैंने क्रिएट कर दिया। मेरे बच्चे ध्यान देना, यहाँ पे हमारे पास पहले से ही क्वेश्चन ने बता दिया है कि पीए कौन से हैं और एनपीए कितने हैं, उन पीए पे इंटरेस्ट अर्न्ड, अर्न्ड का मतलब एक्रू होना, और उस एक्रूअल में से जितना हम रिसीव कर चुके वो बता रहा है, बोलता बताओ आप क्या करेंगे। तो मेरी बात सुनो, हमने क्या कहा था कि अगर वो आपका पीए है तो इनकम एक्रूअल बेसिस पे चलेगा, यानी कि जो पीए हैं इन पे ये सारा का सारा अमाउंट इनकम मान लिया जाएगा, 2 लाख में इतना आ चुका है, बाकी आपका आएगा आगे, लेकिन इनकम हम पूरा मान लेंगे। मेरे बच्चे एनपीए अगर होगा तो वही इनकम माना जाएगा जितना आपने रिसीव किया है, यानी कि इंटरेस्ट रिसीव वाला कॉलम चलेगा। तो मैं यहाँ पे सॉल्यूशन में क्या करूँगा, लिखे यहाँ पे कंप्यूटेशन ऑफ, सॉल्यूशन लिखेंगे आप यहाँ पे कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट ऑन लोन्स एंड एडवांसेज टू बी रिकॉग्नाइज्ड
टू बी रिकॉग्नाइज इन प्रॉफिट लॉस अकाउंट। आप प्रॉफिट लॉस अकाउंट में जो इनकम रिकॉग्नाइज करेंगे वो कितना आपका होगा, तो मेरे बच्चे लिखो यहाँ पे। अगर वो आपका यहाँ पे लोन्स के नाम पर लिखे, लोन्स एंड एडवांसेज जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, यहाँ पे अगर वो पीए है तो हम कौन सा कॉलम लेंगे जी, इंटरेस्ट अर्नड, यानी कि एक्रूअल बेसिस पे, एक्रूअल बेसिस आपका। और अगर वो एनपीए है, अगर वो एनपीए है तो कौन सा कॉलम लेंगे हम, आपका रिसिप्ट, यानी कि एक्चुअल रिसिप्ट बेसिस, जितना हम इंटरेस्ट रिसीव कर चुके वही इनकम मानेंगे। मुझे बताओ कौन कौन से लोन के नाम बताए जा रहे हैं, सर टर्म लोन है आपका, लिखो यहाँ पे। और बताओ कैश क्रेडिट, क्वेश्चन में दिया रहेगा, आपको चिंता नहीं करना है। और तीसरा आपका बिल्स परचेज। आप सिर्फ मुझे ये बताओ, आप सिर्फ मुझे ये बताओ कि जो पीए हमारा है परफॉर्मिंग एसेट्स, इसमें कौन से कॉलम को इंटरेस्ट मानूं, सर इनकम मानूं, सर ये इंटरेस्ट अर्नड, यानी कि 2 लाख का अमाउंट, फिर आपका 1,40,000 का अमाउंट, और फिर मेरे बच्चे 5 लाख का अमाउंट, ये हमारा इनकम माना जाएगा। इसमें इस कॉलम का कोई मतलब नहीं होता। लेकिन अगर वो एनपीए है तो हमें इस कॉलम से मतलब नहीं है, हमें रिसीव्ड, पता नहीं ये बदमाश लोग कब कितना आगे पे करें भी कि ना करें, तो भगवान जितने पैसे आ चुके हम वही इनकम मानेंगे, हम उसी पे टैक्स पे करेंगे। आगे का पैसा डूब गया, रिस्क ज़्यादा है, तो फिर हम क्यों अभी इनकम माने, है ना। 380 का अमाउंट आपका यहाँ चला गया। तो जरा बताओ ये टोटल कितना आ गया, 8,40,000 का अमाउंट आपका, 840, और ये कितना आ गया जी, 2, और ये 5,80,000। जरा बताओ ये दोनों को ऐड करके अमाउंट आपका कितना बन गया, तो आपका 8,40,000 और प्लस आपका 5,80,000, ये अमाउंट आपका निकल के आ गया 14,20,000 का अमाउंट आपका, 1420 हो गई बात। क्यों मेरे बच्चे ये क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, क्यों नहीं कर पाएंगे, और इसमें कौन सी बड़ी बात है। अगर हमें एग्जाम में आ जाए कि जरा बताओ जी NBFC जो होते हैं वो एडवांसेज पे, लोन्स पे जो वो इंटरेस्ट कमाते हैं, इनकम कमाते हैं पब्लिक से, कर्जदारों से, वो इनकम कैसे रिकॉग्नाइज किया जाएगा, PA NPA। PA का डेफिनेशन अगर एग्जाम में आ जाए तो आप वो बता देंगे, NPA का डेफिनेशन वो बता देंगे आप। PA यानी कि जिस पे टाइम टू टाइम पेमेंट आ रहा है, या किसी बदमाश ने, किसी डिफॉल्टिंग एप्लीकेंट ने डिफॉल्ट करना शुरू किया है लेकिन अभी नॉर्मल रिस्क को अभी नहीं ख़त्म हुआ है। ऐसा नहीं होता बच्चे बैंक के मामले में कि जैसे मान लो कि 5 तारीख को इंस्टॉलमेंट पे करना था और आपने 5 तारीख को नहीं पे किया तो बस NPA बन गया, ऐसा नहीं होता। किसी की हालत कुछ समय के लिए खराब हो सकती है, इस बात को मानते हुए RBI ने कहा है कि 6 महीने तक का डिफॉल्ट अगर होता है, 6 मंथ्स तक अगर वो आदमी पेमेंट नहीं कर पाता तो भी आप उसको पीए मानो। अगर वो 6 महीने से ज़्यादा का डिफॉल्ट लेकर आता है तो NPA, और ध्यान रहे ये आपका 6 महीने या 6 महीने से ज़्यादा जो नॉर्मल रिस्क की बात की वो लोन्स एडवांसेज के लिए है। हर एक तरीके का जो कर्ज होता है, जैसे मान लो आपने हायर परचेज के लिए कुछ फाइनेंस किया हुआ है, लीज पे कुछ फाइनेंस आपने किया हुआ, लीज बिजनेस को फाइनेंस किया हुआ है, वहाँ नॉर्मल रिस्क कुछ अलग हो जाएगा। ये NBFCs जो हैं इनको हर एक के लिए अलग अलग तरीके से बताया गया है। तो मेरे बच्चे मैं आपको यहाँ पे लोन्स एडवांसेज के बारे में तो बता दिया, अब आओ जरा देखते हैं कि और जो तरह तरह के कर्ज जो ये लोगों को देते हैं, तरह तरीके के बिजनेस में जो ये कर्ज देते हैं, आखिर फिर वहाँ पे क्लासिफिकेशन कैसे चलेगा। तो आइए जरा अब लिखेंगे मेरे साथ यहाँ पे, ये तो आपका नंबर 1 था, इसका नंबर 2 लिखेंगे आप जहाँ पे आपका आंसर ख़त्म हुआ था। उसके बाद कहता है कि यहाँ पे इनकम फ्रॉम हायर परचेज एसेट, फाइनेंसिंग बिजनेस, अगर आप हायर परचेज पे जो एसेट्स दिए जाते हैं उनका फाइनेंसिंग करते हो, मतलब उनके लिए कर्ज देते हो, मुझे एक मशीन परचेज करना हायर परचेज पे, आपने मुझे फाइनेंस कर दिया, कर्ज दे दिया, तो उनके लिए ऑब्लिक या फिर मेरे बच्चे या फिर आपका लीज एसेट्स, लीज पे जो एसेट्स दिए जाते हैं उनके फाइनेंसिंग पे, फाइनेंसिंग बिजनेस,
अगर आप यहाँ पे हो, अगर इसके लिए रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे नॉर्मल पब्लिक को दिया हुआ लोन एडवांसेज हो गया, यहाँ पे स्पेसिफिकली अगर हायर परचेज पे जो एसेट्स बिकते हैं उनको आपने फाइनेंस किया है, या लीज पे जो एसेट्स दिए जाते हैं उनको अगर फाइनेंस किया हुआ है, तो मेरे बच्चे उस केस में फिर से ये जो आपने आपके जो एसेट्स हैं, रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे एसेट्स का मतलब क्या, कर्ज, जो आपने कर्ज इस बिजनेस में दिया है, ये कर्ज जो होता है, ये जो एसेट्स होते हैं, इनको भी हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, पीए और दूसरा आपका एनपीए, पीए और दूसरा एनपीए। सर पीए क्या होता है मेरे बच्चे, ध्यान रखना। अब यहां पे मैं क्या लिखूंगा, लिखेंगे यहां पे लिखेंगे नंबर वन इफ रेगुलर इंस्टॉलमेंट्स, गला फंस रहा है, माफ कीजिए, इफ रेगुलर इंस्टॉलमेंट्स आर रिसीव्ड, अगर आप रेगुलर इंस्टॉलमेंट को रिसीव करते हो, जैसे हायर परचेज पे जो आपने सामान बेचा था और उसको आपने फाइनेंस किया है, तो उस पर जो आपका इंस्टॉलमेंट आ रहा है वो रेगुलर आ रहा है मेरे बच्चे, इंस्टॉलमेंट्स आर रिसीव्ड, मैं काम करूँ क्या, इंस्टॉलमेंट्स या फिर ऑब्लिक कर दो या आपका लीज रेंट, रिपीट कर रहा हूँ, हायर परचेज के केस में इंस्टॉलमेंट हो गया और लीज वाले बिजनेस में यहाँ पे लीज रेंट आपका हो गया। तो एग्जाम में जिसके बारे में बोलेगा हम उस तरीके से लिख देंगे, अगर वो सिर्फ हायर परचेज के बारे में पूछेगा तो इफ रेगुलर इंस्टॉलमेंट्स आर रिसीव्ड, अगर लीज बिजनेस के बारे में इफ रेगुलर लीज रेंट आर रिसीव्ड आपका, और या फिर और नंबर टू लिखेंगे आप यहाँ पे इंस्टॉलमेंट्स जो आपके हैं ऑब्लिक लीज रेंट इंस्टॉलमेंट्स या फिर जो आपका लीज रेंट है, कहते हैं कि आर ओवरड्यू, ओवरड्यू का मतलब हो गया वो बदमाश कई समय से मतलब पेमेंट नहीं कर रहा, ओवरड्यू हो चुका मतलब पेमेंट नहीं कर रहा है, फॉर 12 मंथ्स 12 महीने से ज़्यादा, और आप यहाँ लिखेंगे लेस, यानी कि किसी आदमी ने अगर डिफॉल्ट आपका किया है इस बिजनेस के अंदर में और पिछले 12 महीने से उसका इंस्टॉलमेंट ओवरड्यू हो चुका है, मतलब पिछले 12 महीने के इंस्टॉलमेंट वो पे नहीं किया है या उससे कम, तो भी उसको हम पीए ही कहेंगे। पर बच्चे अगर कहते हैं यहाँ पे आपका इफ क्या इंस्टॉलमेंट्स ऑब्लिक लीज रेंट आर ओवरड्यू फॉर पीरियड मोर देन 12 मंथ्स, अगर 12 महीने से ज़्यादा पीरियड आपका ड्यू हो चुका है, तो मेरे बच्चे आपको एनपीए कहा जाएगा। ध्यान रखना, नॉर्मल लोन्स एडवांसेज में 6 महीने था नॉर्मल रिस्क, यहाँ पे 12 महीने की बात करता है, लेकिन आगे फिर बातें सेम है कि चलो ठीक है जी, हमने क्लासिफाई तो कर लिया कि पीए कौन सा होगा, एनपीए कौन सा होगा, अब जरा बताओ इनकम जो इस पे रिकॉग्नाइज किया जाएगा, इनकम रिकॉग्निशन जो होगा वो कैसे आपका हो। मेरे बच्चे कहते हैं कि पीए पे एक्रूअल बेसिस, मतलब फिर से वही बात हो गई, एक्रूअल बेसिस और यहाँ पे आपका एक्चुअल रिसिप्ट बेसिस। तो मैं अलग से एग्जाम्पल यहाँ नहीं बताऊँगा, आप समझ चुके हैं कि हायर परचेज के केस में पहले आपको सिर्फ ये जानना है कि जिस एनबीएफसी में कल को बड़े होकर आप काम करने जाएंगे, अगर वो हायर परचेज के बिजनेस में डील करता है, तो 12 महीने का डिफॉल्ट भी नॉर्मल रिस्क माना जाता है। अगर कोई एप्लीकेंट पिछले 12 महीने से आपको पेमेंट नहीं कर रहा है, तो नॉर्मल रिस्क में कवर किया जाएगा। 12 महीने से ज़्यादा अगर ओवरड्यू हो चुका है मेरे बच्चे उसका, तो ही उसको हम यहाँ पे एनपीए की कैटेगरी में डालेंगे। अब नीरव मोदी जो था, ये ललित मोदी है, ये सब बदमाश, ये विजय माला, सब क्या निकल के, अगर ऐसे में रहे होंगे, अगर इस काम के लिए कर्ज लिया होगा, तो 12 महीने के बाद ही उनको हमने एनपीए कह दिया होगा, लेकिन 8-9 साल के बाद हमें पता चलता है कि वो पैसे लेकर भाग गए। ये बहुत गंदी स्थिति हमारे देश की है, लेकिन गुस्से को शांत करो, क्योंकि हमें बस पढ़ाई करना है। इस देश में क्या उल्टे सीधे काम हो रहे हैं उसे हमें क्या फ़र्क पड़ता है, जिसको जितना लूटना है लूटने दो, जितना जिसको करना करें दो, आप बस ईमानदार बन जाओ। हम आम आदमी हैं, मैं और आपकी बात कर रहे हैं, हमें ईमानदारी से टैक्स पे करना है,
और वो टैक्स का पैसा जब गवर्नमेंट के पास जाएगा ना बच्चे, तो गवर्नमेंट उसको ये नीरव मोदी और पता नहीं किसके किसके बीच में लुटा देगी। मजा आएगा उनको, मजा, क्योंकि हम ईमानदार इंसान हैं, हम लोग ईमानदारी से टैक्स पे करते हैं। गुस्से पे कंट्रोल करो सर, छोड़ो ना इन सब बातों को, क्या रखा हुआ है, क्यों झगड़ा करते हो, आप पढ़ाओ ना इसके आगे। चलो ठीक है, मैं यहाँ भी बता दूँ आपको, लिखो मेरे साथ नोट यहाँ पे, नोट यहाँ भी मेरे बच्चे, जो यहाँ नोट लिखा था ना कि पहले जो इनकम रिकॉग्नाइज कर चुके हैं HPA और बाद में वो NPA बन गया तो उसको रिवर्स कर दो, वही बात यहाँ भी है। लिखिए यहाँ पे एनी सच इनकम टेकन टू क्रेडिट ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट बिफोर द एसेट बिकेम एनपीए एंड रिमेनिंग अनयूटिलाइज्ड कहता है शैल बी रिवर्स्ड। ये आपको क्या करना है बच्चे, शैल बी रिवर्स्ड, आपको रिवर्स कर देना है। सिंपली मतलब कि पहले वो HPA हमने इनकम एक्रुअल बेसिस पे पिछले साल मान लिया, लेकिन आज वो NPA बन गया, तो जितना इनकम मान चुके लेकिन अगर वो पैसा रिसीव नहीं हुआ मेरे बच्चे, तो पिछली बार इनकम माना तो इस बार क्या करेंगे, उसको रिवर्स कर देंगे। आई बात समझ में सर? हाँ, तो ध्यान देना, लोन्स एडवांसेज जो हमने दिए हैं, नॉर्मल लोन्स एडवांसेज, उस पर इनकम कैसे माना जाएगा हमने आपको बता दिया। पर बच्चे हायर परचेज या लीज बिजनेस पे भी इनकम उसी तरीके से चल रहा है आपका, चला ना भाई, बस डेफिनेशन थोड़ा सा चेंज हो गया। अब देखते हैं कि अगर मान लो ये NBFCs अगर कहीं पे इन्वेस्टमेंट किए हैं, रिपीट कर रहा हूं, इन्वेस्टमेंट, सर इन्वेस्टमेंट कहां करेंगे आप ही बताओ ना, इन्वेस्टमेंट कहां किया जाता है, शेयर्स में, डिवेंचर्स में, बॉन्ड्स में, म्यूचुअल फंड्स में, गोल्ड में, इन्हीं सब में तो किया जाता है, तो उससे हुए इनकम का रिकॉग्निशन कैसे होगा? यानी कि अब आप लिख रहे हैं यहाँ पे थर्ड पॉइंट में इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इन किसमें जी, सिक्योरिटीज, डिफरेंट टाइप ऑफ जो सिक्योरिटीज होते हैं, शेयर्स हो गया, बॉन्ड्स हो गया, डिबेंचर्स हो गया, उनमें अगर कोई आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो उसमें इनकम का जो रिकॉग्निशन होगा वो कैसे किया जाएगा, मैं उसके बारे में बताऊं। पर बच्चे मैंने क्या किया, इस सिक्योरिटीज को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक तरफ लिखा आपका यहाँ पे हमारा, जैसे कि आपका डिविडेंड हम कमाते हैं किसमें, ऑन शेयर्स पे कमाते हैं, शेयर्स पे हमें मिलता है, म्यूचुअल फंड्स पे मिलता है, तो किसी भी चीज़ पे अगर आपको डिविडेंड मिला, एक तरफ ले लिया हमने, या फिर हमने कमाया होगा क्या जी, इंटरेस्ट, यही तो कमाएंगे। अगर कहीं भी पैसा इन्वेस्ट करोगे सिक्योरिटीज में, तो या तो आप इंटरेस्ट कमाओगे या डिविडेंड, इंटरेस्ट किस पे, ऑन आपका बॉन्ड्स हो गया, बॉन्ड्स में पैसे आपने लगाए होंगे, डिवेंचर्स में अगर पैसा इन्वेस्ट किया होगा किसी कंपनी का, है ना, तो इंटरेस्ट ऑन डिबॉन्ड्स हो गया, डिवेंचर्स हो गया, या फिर आपका यहाँ पे कहता है इनकम ऑन सिक्योरिटीज ऑफ कॉर्पोरेट बॉडीज और PSU पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, द पेमेंट ऑफ विच वो PSU या फिर वो आपका कॉर्पोरेट बॉडी जिनके सिक्योरिटी में, किसी भी सिक्योरिटी में आपने पैसा लगाया है, कोई भी सिक्योरिटी हो, कहता है कि द पेमेंट ऑफ विच हैव बीन गारंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, हमारे देश की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है या फिर जो स्टेट गवर्नमेंट है, अगर कोई भी ऐसे
सिक्योरिटीज में हम पैसा लगाते हैं, तो मेरे बच्चे कहते हैं कि डिविडेंड से, रिपीट कर रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट की बात उठ रही है, बात यहाँ पे लोन एडवांसेज की नहीं है, बात यहाँ पे हायर परचेज या लीज को फाइनेंस करने की नहीं है, यहाँ पे बाकी जो आपने इन्वेस्टमेंट किया होगा कहीं पे, अगर वो आप उस पर डिविडेंड कमा रहे हो, तो मेरे बच्चे यहाँ पे एक्चुअल रिसिप्ट बेसिस, जब आप ये डिविडेंड रिसीव कर लोगे तभी आपको इनकम एज्यूम करना है, और अगर वो बॉन्ड्स या डिवेंचर्स है या फिर मतलब जो इंटरेस्ट कमा रहे हो या कोई भी ऐसी सिक्योरिटी जो इनकी है और गवर्नमेंट ने गारंटी दिया है, तो कहते हैं कि यहां पे इनकम हम एक्रूअल बेसिस पे एज्यूम करते हैं। आपको याद रखना पड़ेगा मेरे बच्चे, ये छोटी-छोटी बातें हैं, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है जो आपको परेशान कर सकती है, तो आपको ध्यान रखना होगा। मैं दोबारा एक बार आपको रिवीजन करा दूं, वो आपका लोन्स एडवांसेस पे पीए और एनपीए का जो क्लासिफिकेशन था उसमें नॉर्मल रिस्क 6 महीने का था। जब हमने हायर परचेज की बात किया, जब हमने हायर परचेज बिजनेस को फाइनेंस करने की बात किया, हमने लीज के बिजनेस को फाइनेंस करने की बात किया, रिपीट कर रहा हूँ, फाइनेंस करने का, क्योंकि हम लोग फाइनेंस कर रहे हैं, तो उससे पीए और एनपीए के क्लासिफिकेशन में नॉर्मल रिस्क 12 महीने का माना गया, बट इनकम का जो रिकॉग्निशन था दोनों में सेम था, पीए पे एक्रूअल और उस पर आपका रिसिप्ट बेसिस पे, दोनों में ये बात कहा गया कि अगर कोई इनकम पिछले साल आप मान चुके थे एज पीए, लेकिन अगर वो इस साल एनपीए बन गया तो आप उस इनकम को रिवर्स कर सकते हो, जो सिंपल सी बात है, कॉन्सेप्चुअली भी वो बात दिमाग में बैठनी चाहिए। फिर हमने तीसरी बात आपसे की है कि अगर कोई आपने इन्वेस्टमेंट किया है, कहाँ पे जी, शेयर्स में किया, बॉन्ड्स में किया, डिवेंचर्स में किया, म्यूचुअल फंड में किया, किसी और सिक्योरिटी में किया, तो कहते हैं कि यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट आपने किया है अगर वो डिविडेंड बियरिंग सिक्योरिटी है, अगर वो डिविडेंड बियरिंग सिक्योरिटी है तो एक्चुअल रिसिप्ट बेसिस, लेकिन अगर वो इंटरेस्ट बेयरिंग सिक्योरिटी है तो एक्रूअल बेसिस पे आपको इनकम मानना है। और साथ साथ हमने ये भी कहा कि कोई ऐसा पीएसयू या कोई ऐसा कॉर्पोरेट बॉडी जहाँ पे किसी भी सिक्योरिटी में, किसी भी मतलब शेयर्स हो, डिवेंचर्स हो, बॉन्ड, किसी भी सिक्योरिटी में अगर आपने वहाँ पे पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है और उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ने आपको पूरे पैसे रिकवरी की गारंटी दिया हुआ है, तो आप उसको एक्रूअल बेसिस पे इनकम मान सकते हैं। यही बात हमने कहा ना सर? हाँ सर। तो बात खत्म हो गई, इनकम रिकॉग्निशन का काम खत्म हो गया। अब जो बात यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की उठी है, इन्वेस्टमेंट की उठी है, तो हमें यह भी सीखना होगा, आरबीआई इनके ऊपर में यह भी बताता बच्चे कि आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है इक्विटी शेयर्स में किसी कंपनी का, प्रेफरेंस शेयर्स में, डिवेंचर्स में, बॉन्ड्स में, जिसमें भी आपने इन्वेस्टमेंट किया है, उस इन्वेस्टमेंट की अकाउंटिंग कैसे होगी। रिपीट कर रहा हूं, एग्जाम में आ जाए, राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑन इनकम रिकॉग्निशन फॉर द एनबीएफसी एज पर आरबीआई नॉर्म्स, तो आपको बताना है तीन पार्ट में, एक तो वो लोन्स एडवांसेज को लेकर, एक हायर परचेज लीज वाले को लेकर, और तीसरा आपका इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। लेकिन मेरे बच्चे एग्जाम में आ जाए कि जरा बताओ अकाउंटिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट कैसे होता है। गला खराब हो रहा है, लेकिन आज नहीं रुकूंगा बच्चे, आज मैं पता, मुझे पता है पिछली क्लास में मैं जब आपको पढ़ा रहा था तो आप इतने इतने गहरे नींद में आप सोए थे कि मुझे बार बार आपको उठाना पड़ रहा था, लेकिन आज मैं ना रुकूंगा ना आपको रुकने दूंगा, क्योंकि रुक गया या आप रुक गए तो कॉन्सेप्ट हमारे खराब हो जाएंगे मेरे बच्चे। अब जो पॉइंट मैं लेकर आने वाला हूँ, अब जो बातें आपको बताने वाला हूँ कि ये जो इन्वेस्टमेंट आपने किया है उसकी अकाउंटिंग कैसे होगी, अकाउंटिंग उसका रिकॉर्डिंग कैसे होगा, हम इन्वेस्टमेंट को बुक में कितने पर दिखाएंगे, हम इन्वेस्टमेंट को बुक में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हम उनके बारे में आपसे बात करना चाहते हैं। सुना मेरी बात? यहां पे हमने इन्वेस्टमेंट के ऊपर में इनकम की बात की थी, अब हम इनकम की बात नहीं कर रहे, इन्वेस्टमेंट की अकाउंटिंग यानी कि बुक में रिकॉर्डिंग कैसे होगा, हम उनके बारे में स्टडी करना चाहते हैं। वो आरबीआई नॉर्म्स जो है, प्रूडेंशियल नॉर्म्स, उसमें अकाउंटिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट भी तो था कि आप अपने इन्वेस्टमेंट की अकाउंटिंग कैसे करोगे। मेरे बच्चे आओ जरा मैं आपको बताऊं, यहाँ पे लिखिए आपका अगला टॉपिक आज का निकल के आएगा, ये टॉपिक हमारा ख़त्म हो गया इनकम रिकॉग्निशन, अगला टॉपिक आपका शुरू हो रहा है अकाउंटिंग, पता नहीं गले को क्या हो गया, अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट की अकाउंटिंग कैसे होगी। क्या हो गया सच्ची में, मैं तो मजाक कर रहा था, अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट कैसे होगा, हम उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे स्टडी करते हैं। लिखिए मेरे साथ, थोड़ा सा लिखेंगे एग्जाम के लिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे, थ्योरी न्यूमेरिकल साथ साथ देखेंगे। कहता है कि बी ओ डी यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स
ऑफ एवरी एनबीएफसी ऑफ एवरी एनबीएफसी शैल फ्रेम इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट पॉलिसी इन्वेस्टमेंट पॉलिसी फॉर द कंपनी फॉर द कंपनी फॉर द कंपनी एंड इम्प्लीमेंट इम्प्लीमेंट द सेम का मतलब होता है हर एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इस बात को डिसाइड करेंगे हमारी इन्वेस्टमेंट पॉलिसी क्या होगी, कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है, कैसे कैसे करना है, और उसको वो इम्प्लीमेंट भी करेंगे। ये जिम्मेदारी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की होती है। लिखेंगे आप नंबर टू, सेकेंड पॉइंट यहाँ पे, द क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन इनटू करंट एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करंट एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट शैल बी स्पेल्ड आउट शैल बी स्पेल्ड आउट बताएंगे वो कौन बताएगा जी, बाय द बोर्ड ऑफ कंपनी। बोर्ड ऑफ कंपनी जो कंपनी का बोर्ड है वो इस बात को स्पेल्ड आउट यानी कि बताएंगे कि उन्होंने इन्वेस्टमेंट को जो करंट इन्वेस्टमेंट एंड लॉन्ग टर्म में क्लासिफिकेशन किया है वो कैसे किया है इन देयर इन्वेस्टमेंट पॉलिसी जो उनका इन्वेस्टमेंट पॉलिसी ड्राफ्ट होगा उसमें उन्होंने करंट इन्वेस्टमेंट और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का क्लासिफिकेशन कैसे किया हुआ है वो उनको बताना होगा मेरे बच्चे। फिर लिखेंगे थर्ड पॉइंट आप यहाँ पे, इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज, आपने सिक्योरिटीज में जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है, इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज शैल बी क्लासिफाइड इनटू करंट एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एट द टाइम ऑफ मेकिंग ईच इंस्टॉलमेंट। जब इन्वेस्टमेंट करेंगे मेरे बच्चे, जब आप इन्वेस्टमेंट को करोगे उस इन्वेस्टमेंट के टाइम पे ही आपको बताना होगा कि आपका जो इंटेंशन है इन्वेस्टमेंट करने का वो आपका शॉर्ट टर्म है कि लॉन्ग टर्म है। आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट यानी कि करंट इन्वेस्टमेंट के रूप में उसको इन्वेस्ट कर रहे हो या फिर लॉन्ग टर्म के रूप में आपको बताना होगा। फिर लिखेंगे फोर्थ पॉइंट लिखेंगे आपका वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट थ्योरेटिकली एज वेल न्यूमेरिकली, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये इन्वेस्टमेंट्स जो है वो एनबीएफसी कैसे, माफ़ कीजिए, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट वो कैसे वैल्यू करेंगी, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट वो हम यहाँ पर देखेंगे, इन्वेस्टमेंट कैसे वैल्यू किया जाएगा। मेरे बच्चे, इनके जो इन्वेस्टमेंट्स आपके जो वैल्यू किए जाएंगे इसके अंदर में, आज पहले हम देखते हैं यहाँ पे फोर्थ का नंबर ए में हम पहले बात करते हैं करंट इन्वेस्टमेंट का, करंट इन्वेस्टमेंट। इसके बाद हम लॉन्ग टर्म भी देखेंगे लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं, ये बात ध्यान रखना, सिर्फ और सिर्फ करंट इन्वेस्टमेंट का। देखो ये जो करंट इन्वेस्टमेंट्स आपके होते हैं, ये करंट इन्वेस्टमेंट्स मेरे बच्चे आपके, मैं यहाँ थोड़ा सा बता दूँ, ये करंट इन्वेस्टमेंट्स जो होते हैं इनको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, दो पार्ट में। एक होता है कोटेड इन्वेस्टमेंट और एक होता है नॉन कोटेड इन्वेस्टमेंट। सर, कोटेड इन्वेस्टमेंट में एंड नॉन कोटेड में क्या फर्क है? मेरे बच्चे, जो कोटेड इन्वेस्टमेंट होता है ना,
कहता है कि देयर मार्केट वैल्यू, इनका जो मार्केट वैल्यू है, मार्केट वैल्यू इज अवेलेबल इन स्टॉक मार्केट, यानी कि आप इनका जो मार्केट वैल्यू है वो आप यहां पे स्टॉक मार्केट से पता कर सकते हैं। लेकिन जो नॉन कोटेड इन्वेस्टमेंट होता है, कहते हैं कि देयर मार्केट वैल्यू, इनका मार्केट वैल्यू आज कितना है, देयर मार्केट वैल्यू इज नॉट अवेलेबल, इनका मार्केट वैल्यू आपके पास अवेलेबल नहीं होता, इज नॉट अवेलेबल इन स्टॉक मार्केट, क्योंकि ये कोटेड है ही नहीं, ये उसमें लिस्टेड है ही नहीं मेरे बच्चे। तो ध्यान रखना कि जब वो इन्वेस्टमेंट्स को वैल्यू कर रहे हैं तो हम देखेंगे इन्वेस्टमेंट दो तरीके का होता है। मैं बता दूं यहाँ पे एक आपका क्या था जी, एक लिख दिया हमने करंट इन्वेस्टमेंट, यही कर लो ताकि बाद में कन्फ्यूजन ना हो। एक करंट इन्वेस्टमेंट जिसकी वैल्यूएशन हमें करनी होगी, और एक हमने कहा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, या कह दो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म नाम यूज कर रहा हूँ इसलिए वही लिख दिया। अगर मैं इसको नॉन करंट कहूँ तो भी कोई दिक्कत नहीं है आपका, तो लिख दो यहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। अब जो करंट इन्वेस्टमेंट होता है वो दो तरीके का, कोटेड या फिर दूसरा अनकोटेड आपका, ठीक है ना। तो चलिए जरा मैं आपको पहले यहाँ पे बताना शुरू करता हूँ, लिखेंगे आप यहाँ पे फोर्थ का वन ए के अंदर में आपका नंबर वन, नंबर वन आपका लिखेंगे कोटेड करंट इन्वेस्टमेंट, मतलब अभी बात हम किसकी कर रहे हैं, इनकी बात कर रहे हैं, इनकी बात अभी नहीं कर रहा। कोटेड करंट इन्वेस्टमेंट शैल बी ग्रुप्ड इनटू, लिखिए यहां पे, शैल बी ग्रुप्ड इनटू, शैल बी ग्रुप्ड इनटू फॉलोइंग कैटेगरी, फॉलोइंग कैटेगरी फॉर द पर्पस ऑफ वैल्यूएशन, फॉर द पर्पस ऑफ वैल्यूएशन वैल्यूएशन आपका वो कौन कौन सी कैटेगरी है, तो लिखो मेरे साथ यहाँ पे, लिखेंगे आपका नंबर ए, नंबर ए यहाँ पे कहता है इक्विटी शेयर्स, यानी कि इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स, आपने किसी कंपनी के इक्विटी शेयर्स में जो पैसे लगाए हैं। नंबर बी लिखेंगे आप यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स। नंबर सी लिखेंगे आप यहाँ पे डिवेंचर्स, डिवेंचर्स एंड बॉन्ड्स, एंड बॉन्ड्स। फिर लिखेंगे आप यहाँ पे डी में, या एक काम करते हैं डिवेंचर्स कर देते हैं, यहाँ बॉन्ड्स लिख दो आप, बॉन्ड्स। नंबर ई लिखो आप यहाँ पे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में आपने पैसे लगाए हैं। एफ लिखेंगे आप यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स, म्यूचुअल फंड्स में आपने पैसे लगाए हैं। और इसके साथ कुछ और हो गया तो अगला क्लासिफिकेशन आपका अदर्स का हो जाएगा, अदर्स। यहाँ पे जो कोटेड आपके करंट इन्वेस्टमेंट है, ध्यान देना, जिनका मार्केट प्राइस आपका अवेलेबल है उनको हम इतने पार्ट में आपका डिवाइड करते हैं। जब भी अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट आ जाए तो ये बातें ध्यान रखेंगे, हम इनके बारे में समझाएंगे एग्जामिनर को मार्क्स पूरा लेने के लिए। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे जी, अभी इसको नहीं मिटा रहा हूँ आपका, इसके आगे ही लिखना शुरू करेंगे मेरे बच्चे। जो कोटेड करंट इन्वेस्टमेंट है उसको आपने इतने पार्ट में डिवाइड किया, अब इसके आगे लिखना शुरू करेंगे पैराग्राफ चेंज करके। लिखना लिखना यहाँ पे कोटेड करंट इन्वेस्टमेंट, इसी में लिख रहे हैं आप, अभी इसी के बारे में बता रहे हैं आप, करंट इन्वेस्टमेंट, कोटेड करंट इन्वेस्टमेंट्स फॉर ईच कैटेगरी, फॉर ईच कैटेगरी, फॉर ईच कैटेगरी शैल बी वैल्यूड, शैल बी वैल्यूड एट एट कॉस्ट प्राइस, एट कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस, क्योंकि इनका मार्केट प्राइस अवेलेबल होता है बच्चे, कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर, इन दोनों में से जो भी छोटा होगा, विच एवर इज लोअर, विच एवर इज लोअर, हम उस पर इसको शो करेंगे, ठीक है ना। फिर आगे लिखना फॉर दिस पर्पस, इसी में आगे लिख रहे हैं आप फॉर दिस पर्पस, फॉर दिस पर्पस
The investment in each category, the investment in each category shall be considered scrip wise, और आप इसको कर लेना underline, and the cost and market price, sorry, and the cost and market value aggregated for all investments in each category. एक मिनट, and the cost and market value, गलती हो गया यहाँ पे, लिख दो यहाँ पे छोटा सा shall be यहाँ मेरे बच्चे shall be aggregated for all investment in each category. सर समझ में नहीं आया, अभी बताऊँगा, आप पहले आगे लिखो, आप यहाँ पे कहता है क्या, पैराग्राफ चेंज करके इसी में आगे लिखेंगे. If the aggregate market value for the category is less than the aggregate cost for that category, comma, the net depreciation shall be provided and charged to profit and loss account. सर समझ में नहीं आया, सर लिखो ना अभी कहाँ समझाया, फुल स्टॉप, आगे लिखना. If aggregate market value exceeds the cost price, comma, the net appreciation बढ़ना value का appreciation shall be ignored, हम उसे इग्नोर कर देंगे, फुल स्टॉप. डेप्रिसिएशन इन वन कैटेगरी, cannot be set off against appreciation in other category. Full stop. सर ये क्या है, लिखो सब समझाऊंगा, क्यों चिंता करते हो, अभी जिंदा हूँ मैं मेरे बच्चे, आप लिखो पहले यहाँ पे, सारी बातें समझाऊंगा. देखो पहले बताओ, लिख लिया आपने सर? हाँ सर, हाँ हमने लिख लिया. आप मेरी बात ध्यान से सुनो,
मैं कुछ आपसे बातें कर रहा हूँ। एक तो टॉपिक जो हमारा चल रहा है दैट इज अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट की हम अकाउंटिंग करना चाहते हैं। हमने कहा कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वो डिसाइड करेंगे कि हर एक एनबीएफसी का, उनका जो अपना एनबीएफसी, उनका इन्वेस्टमेंट पॉलिसी क्या होगा और उसको इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेदारी भी उन्हीं की होगी। बोला हमने सर हाँ, इन्वेस्टमेंट जितने भी करेंगे एट द टाइम ऑफ मेकिंग द इन्वेस्टमेंट यू हैव टू क्लासिफाई वेदर इन्वेस्टमेंट इज फॉर द लॉन्ग टर्म और द शॉर्ट टर्म पर्पस। आपको स्टार्टिंग में ही बताना होगा इन्वेस्टमेंट करने का आपका मोटिव क्या है और उसके हिसाब से फिर उसका अकाउंटिंग शुरू हो जाएगा। हमने कहा कि अगर इन्वेस्टमेंट आपने करंट इन्वेस्टमेंट किया है, मतलब फॉर लेस देन वन ईयर, तो वो इन्वेस्टमेंट जो आपका करंट इन्वेस्टमेंट है वो हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, क्या वो इन्वेस्टमेंट कोटेड है या फिर अनकोटेड है। अगर वो इन्वेस्टमेंट कोटेड है तो बच्चे हमने बोला कि वो कोटेड इन्वेस्टमेंट को हमने क्या करना, इतने सारे स्क्रिप्ट में, दे आर स्क्रिप्ट, दे आर डिफरेंट टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट, इस टाइप के इन्वेस्टमेंट हम उनको क्लासिफाई करेंगे कि हमने इन्वेस्टमेंट इक्विटी में कितना किया, हमने प्रेफरेंस में कितना किया, डिवेंचर में कितना किया, बॉन्ड्स में कितना किया, गवर्नमेंट सिक्योरिटी में कितना किया, म्यूचुअल फंड में कितना किया, बाकी कोई गोल्ड या कुछ और हो गया तो वो लास्ट वाले में चला गया। हमने इतने पार्ट में डिवाइड किया। बात समझ आ रही है सर? हाँ। अब ये जो इन्वेस्टमेंट हमने किया है अब हम इसकी अकाउंटिंग शुरू करेंगे। मेरे बच्चे मैंने सिर्फ आपको ये बताया है कि जब भी इन्वेस्टमेंट इनमें से कोई भी आप वैल्यू करोगे, लिखना बंद करना, बस मेरी बात सुनना, लिखना बंद करना, मैं लिखूंगा आप नहीं, तो आपने इक्विटी शेयर्स में जो पैसे लगाए हैं ये एक स्क्रिप्ट हो गया, एक स्क्रिप्ट हो गया मेरे बच्चे। ये जो आपने इसमें पैसा लगाया हो, मान लो इक्विटी शेयर्स में हमने 5 कंपनी में लगाया, इक्विटी शेयर्स 1, 2, 3, 4, 5 5 कंपनी में लगाया, तो हमने कहा कि आप एक काम करो, जितने भी इक्विटी शेयर्स में आपने इन्वेस्टमेंट किया है आप उनका पता करो कॉस्ट कितना है और उनका पता करो मार्केट वैल्यू कितना है, क्योंकि ये कोटेड है, इनका मार्केट प्राइस स्टॉक मार्केट में हमेशा अवेलेबल होता है। कॉस्ट यानी कि आपने कितने में परचेज किया था, मार्केट यानी कि मार्केट में आज उसकी वैल्यू क्या है, इन दोनों में से जो भी लोअर वैल्यू होगा उसी वैल्यू पे आप उसको बुक में रिकॉर्ड करेंगे। मेरा कहने का मतलब है कि मान लो आपका इक्विटी शेयर्स में इनका कॉस्ट आपका 10 रुपये है, ये आपका मार्केट प्राइस 12 रुपये है, इनका कॉस्ट 20 रुपये है, मार्केट प्राइस 17 है, इनका ये थर्ड वाले का मान लो, ये इक्विटी शेयर्स ही बोल रहे हैं, इक्विटी शेयर्स 5 तरीके के हैं मेरे बच्चे, किसी एक्स का, वाई कंपनी का, जेड, बहुत सारे कंपनी में हमने किया, ये 35 रुपीज का कहता है कॉस्ट है और आज मार्केट वैल्यू कहता है कि मान लो 32 का है, ये कहता है कि 80 रुपीज का है और मार्केट वैल्यू 85 हो चुका है, ये 70 का है, ये कहता है कि 72 का हो चुका है। तो ये कहता है, जरा पढ़ना यहाँ पे क्या मैंने क्या लिखा है, कि आप जब इन्वेस्टमेंट करंट का वैल्यू करेंगे तो कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर, हम दोनों में से लोअर को दिखाएंगे, फॉर दिस पर्पस इन्वेस्टमेंट इन ईच कैटेगरी शैल बी कंसिडर स्क्रिप्ट वाइज द कॉस्ट एंड मार्केट वैल्यू शैल बी एग्रीगेटेड फॉर ऑल द इन्वेस्टमेंट इन ईच कैटेगरी। हर एक कैटेगरी में, ये कैटेगरी हो गया बच्चे, ये कैटेगरी हो गया, इसमें जितने भी इन्वेस्टमेंट होंगे उनको एग्रीगेट किया जाएगा, मतलब 10-12 का डिफरेंस आपको यहाँ पर चेक नहीं करना, 2017 का डिफरेंस यहाँ चेक नहीं करना, आपको क्या करना, इनका एग्रीगेट करना। पहले जरा बताओ ये टोटल कॉस्ट कितना हो गया, 215, कुछ गलत होगा, कोई बात नहीं, हम मुद्दे पे आ रहे हैं। मार्केट प्राइस कितना हो गया जी, सबको ऐड करेंगे कितना हो गया आपका, ओहो कितना लिखूं मैं, चलो मान लो 217 आ गया, कौन टेंशन लेगा। तो कहते हैं कि आप लोअर को हर एक को अलग अलग नहीं देखना, आपको ये और ये कंपेयर करके निकालना है कि लोअर क्या होगा और उसी पे इस स्क्रिप्ट को यानी कि इक्विटी शेयर्स में किए हुए इन्वेस्टमेंट को आप वैल्यू करेंगे। आप मेरी बात समझ रहे हैं सर? हाँ सर हाँ। उसी तरीके से मेरे बच्चे प्रेफरेंस शेयर्स में जितने इन्वेस्टमेंट किए होंगे उनका अलग अलग ना करके एग्रीगेट किया जाएगा और इसका देखा जाएगा कि दोनों में आखिर लोअर क्या निकल के आ रहा, बाकी सब। फिर हमने कहा कि मान लो जैसे कि अब यहाँ पे क्या होता है कि इक्विटी शेयर्स का कॉस्ट आपका 215 है और मान लो मार्केट वैल्यू इनका, मार्केट वैल्यू सपोज दैट, अभी इसको मत देखना, ये 210 रुपये आ गया, तो बताओ आपका जो इन्वेस्टमेंट है उसके वैल्यू में एप्रिसिएशन हुआ कि डेप्रिसिएशन हुआ। आप बताओ 215 कॉस्ट, 210 रुपये उसके मार्केट वैल्यू, तो वैल्यू बढ़ गई कि कम हो गई? सर कम हो गई, देयर इज डेप्रिसिएशन इन वैल्यू।
वैसे जब वैल्यू डेप्रिशिएट करेगा, जब वैल्यू डेप्रिशिएट करेगा तो जितना आपको यहाँ पे लॉस हो रहा है ना, क्योंकि आपने 215 में सामान परचेज किया था, आज उसकी वैल्यू 210 रुपये मान लो हो गई है, तो 5 रुपये का जो आपको लॉस हुआ, दैट कैन बी शोन इन द प्रॉफिट लॉस अकाउंट इन द ईयर ऑफ लॉस एज डेप्रिसिएशन ऑन इन्वेस्टमेंट आपका। वही कहा मैंने कि अगर मान लो एग्रीगेट आपका कहाँ गया, अगर मार्केट वैल्यू जो है ना वो आपका कहता है कि कॉस्ट से अगर कम होता है, मतलब मार्केट वैल्यू कम हो गया कॉस्ट से, मतलब डेप्रिसिएशन हो रहा है, तो वो डेप्रिसिएशन आप क्या करेंगे, प्रॉफिट लॉस में चार्ज कर देंगे। लेकिन फिर आगे कहता है कि अगर मान लो कि ये 215 है और मेरे बच्चे ये 240 रुपये आ गया, तो पहले बताओ आपने एसेट्स को वैल्यू कितने पे किया, लोअर पे, 215 पे। वैल्यू तो हमेशा लोअर पे ही होगा। अब मुझे बताओ कि वैल्यू आपका एप्रिशिएट कर रहा है, यानी कि जो 215 का सामान परचेज किया था आज 240 का हो गया, तो वैल्यू डेप्रिशिएट कर गया कि एप्रिशिएट कर गया। सर एप्रिशिएट कर गया, कहता है कि एनबीएफसी को ये एप्रिसिएशन को इग्नोर करना होगा। मतलब जैसे डेप्रिसिएशन हुआ था इन्वेस्टमेंट पे तो आपने लॉस दिखा दिया प्रॉफिट लॉस में, वैसे ही अगर एप्रिसिएशन होगा तो आप उसको प्रॉफिट नहीं दिखाएंगे, उसको आप इग्नोर कर देंगे, उसका कोई भी अकाउंटिंग नहीं होगा। बात समझ में आ गई? सर हाँ सर हाँ। और बताओ मेरे बच्चे, और कहता हूँ आगे, और कहता आपका कि डेप्रिसिएशन इन वन कैटेगरी कैन नॉट बी सेट अप अगेंस्ट आपका एप्रिसिएशन अनदर कैटेगरी। किसी एक कैटेगरी में मान लो इसमें आपका इक्विटी शेयर्स में डेप्रिसिएशन होता है और इसमें एप्रिसिएशन होता है, तो इसका डेप्रिसिएशन इसके एप्रिसिएशन से सेटअप नहीं किया जाएगा, हर एक कैटेगरी अलग अलग ट्रीट किया जाएगा। इस पर ज़्यादा बोलूँगा आपको परेशानी होगी, मैं एक काम करता हूँ आपके बुक में जो मैंने क्वेश्चन दिया मैं उसको उठाता हूँ और उससे आपको सोल्यूशन कराता हूँ। मैं इसको मिटा दूँ? सर हाँ सर, ये हटा दो। आइए हम लोग जो कोटेड इन्वेस्टमेंट का वैल्यू मार्केट में, सॉरी आपके बुक में कितने में दिखाया जाएगा, हम उनके बारे में स्टडी कर रहे हैं। और आपको यहाँ पे काम करना होगा, मेरे साथ आइए जरा आपके बुकलेट का क्वेश्चन नंबर 3 आप उठाएंगे, अपने बुकलेट का क्वेश्चन नंबर 3 जल्दी से देखो जरा क्या बता रहा है। यहाँ पे मिला आपको? सर हाँ सर। कहता है जरा पढ़ना, अनिश्चित फाइनेंस लिमिटेड इज ए नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। कैसा कैसा नाम देता है अनिश्चित, बट हमें क्या फर्क पड़ता है, क्वेश्चन पढ़ो। कहता है इट मेक्स अवेलेबल टू यू द कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस ऑफ वेरियस इन्वेस्टमेंट हेल्ड एज ऑन 31st March 2050। मेरे बच्चे ये सीए फाइनल में क्वेश्चन आपका आया हुआ है ऑलरेडी, ये क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का आया था November 2015 के अंदर में। तो कहता है कि ये आपका यहाँ पे जरा देखो उन्होंने क्या बताया है, आपको 3 तरीके का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बताया है। एक आपका है आपका इक्विटी शेयर्स, और उस इक्विटी शेयर्स में आपको कई सारे स्क्रिप्ट बताए जा रहे हैं, ABCDEFG। मिला आपको? सर हाँ सर। फिर देखो आपका सेकंड इन्वेस्टमेंट है म्यूचुअल फंड का, उसमें भी 3 स्क्रिप्ट है, MF 1, 2, 3। गवर्नमेंट सिक्योरिटी में भी 2 बता रहा, 1, 2 आपका वो कहता है क्वेश्चन में आपका फिगर देने के बाद, जरा पढ़ना लास्ट में क्या है कि कैन द, पढ़ रहे पॉइंट नंबर 1 नीचे पढ़ो, कैन द कंपनी एडजस्ट डेप्रिसिएशन ऑफ ए पर्टिकुलर आइटम ऑफ इन्वेस्टमेंट विद इन द कैटेगरी, मतलब आगे बताऊंगा। Number 2, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट एज ऑन 31st March 2015। ये हम आपका निकालेंगे जी आज की वैल्यू, और इज इट पॉसिबल टू ऑफसेट डेप्रिसिएशन इन इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड अगेंस्ट एप्रिसिएशन ऑफ द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटी, क्या है हम इसको देखेंगे हम क्वेश्चन के साथ। आओ जरा मैं इसको यहाँ पर दिखाऊँ आपका सोल्यूशन में, लिखिए मेरे साथ आप सोल्यूशन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ द बुकलेट आपका, ध्यान देंगे। मैं यहाँ पर काम करता हूँ, पहले ना मैं यहाँ पर सेकेंड पॉइंट का आंसर आपको दिखाऊंगा, सेकेंड पॉइंट का आंसर 1 और 3 बाद में। लिखिए आप यहां पे कंप्यूटेशन ऑफ वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। कौन सा इन्वेस्टमेंट है ये आपका, ये कोटेड है कि अनकोटेड है? सर ये कोटेड है। कैसे पता चला? क्योंकि मार्केट प्राइस बता रहा है। अगर मार्केट प्राइस बता रहा है, मार्केट प्राइस हम कोटेड इन्वेस्टमेंट का ही पता कर सकते हैं, तो ये कोटेड रहा होगा मेरे बच्चे, ठीक है ना। तो कहता है कि जरा बताओ इसमें वैल्यू क्या होगा, एज ऑन 31st March 2015 के एंड में हम वैल्यू निकाल रहे हैं, ठीक है ना। देखो मैं क्या करूँगा,
मेरे बच्चे मैं यहाँ पे पहले आपको दिखाऊँ, एक तो आपका पहले इक्विटी शेयर्स का पहला स्क्रिप्ट आपका कहता है यहाँ पे इक्विटी शेयर्स आपका है। तो मुझे बताओ इक्विटी शेयर्स की जो वैल्यू निकाली जाएगी, हमें हमें पता है जी हम क्या लेते हैं, एक तो इसका कॉस्ट प्राइस ऊपर में लिख दिया हमने यहाँ पे, एक हमने लिखा यहाँ पे मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस ध्यान रहे हम दोनों का लोअर को यहाँ पे कंसिडर करेंगे। मुझे अब ये बताओ आप जरा, क्या इक्विटी शेयर्स जो ए बी सी डी ई एफ जी है सबका अलग अलग कॉस्ट और मार्केट प्राइस निकाला जाएगा या उनको एग्रीगेट किया जाएगा? बोलो बोलो सर, उनको एग्रीगेट किया जाएगा, आपने समझाया था सर आपका। हाँ ऊपर में कह रहे बच्चे सारे फिगर्स जो है ना वो इन लैक्स हैं, तो सारे फिगर्स जो आपके दे रहे हैं वो लैक्स में दे रहे हैं, हम लोअर निकालेंगे यहाँ पे। जरा सुनो ध्यान से, जरा ऐड करो कि इक्विटी शेयर्स में जितने टाइप ऑफ इक्विटी शेयर्स का इन्वेस्टमेंट है उन सबका टोटल कितना निकल कर रहा कॉस्ट। तो पहले वाले का आपका 60 है, फिर 31.50 है, फिर आपका यहाँ पे 60 कहता है, फिर यहाँ पे आपका 60 कहता है, फिर अगला 90 है, फिर इसके बाद 75 है, और फिर इसके बाद 30 है। टोटल कॉस्ट आपका 406.5 आ गया मेरे बच्चे, 406.5 हमने टोटल को लेना है, टोटल को लेना है, हमें हर एक जो ए बी सी डी जो अलग अलग है उनका अलग कोट नहीं करना, पहले एग्रीगेट किया जाएगा। मैंने आपको दिखाया था नोट में, मैंने बताया था, अब सबका पता करो मार्केट प्राइस कितना है। तो 61.20, फिर आपका 24, फिर इसके बाद 36, फिर आपका 120, इसके बाद कहता है आपका 105, इसके बाद 90 है मेरे बच्चे, और फिर आपका कहता है यहाँ पे 6, यानी कि टोटल आ गया 442.2 आपका। इसी तरीके से ना बताओ यहाँ, सॉरी ए ना करके हम इक्विटी शेयर छोड़ देते हैं आपका, या ठीक है अगला क्या है जी आपका म्यूचुअल फंड। आप जरा आप म्यूचुअल फंड को देख लें, म्यूचुअल फंड इनकी कॉस्ट कितने निकल के आ रही है और इनका मार्केट प्राइस। तो म्यूचुअल फंड हमें तीन देख रहे हैं, पहले वाला 39 प्लस आपका 30 और प्लस आपका 6, ये आ गया 75, यहाँ पे ये 75 आ गए, और इसका मार्केट प्राइस कितना निकल के आ रहा है, तो 24 प्लस 21 और प्लस आपका 9, ये आ गया 54 का अमाउंट, 54। उसी तरीके से मेरे बच्चे थर्ड जो हमारे पास है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, ये हमारा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आपका निकल के आया थर्ड वाला, आओ चेक करते हैं क्या बता रहा है। तो 60 एंड 75, ये हमारा कितना आ गया जी, 75 प्लस 60, ये आ गया 135। तो हमारे पास 135 लैक्स आपका गवर्नमेंट सिक्योरिटी की कॉस्ट है, एंड 66 प्लस 72 इसका मार्केट, सॉरी 66 प्लस 72 ये हो गया 138 लैक्स। तो चलो बताओ हम इसमें से लोअर कौन सा दिख रहा है, 406.5, इनमें से लोअर 54, इनमें से लोअर 135। तो जरा बताओ वैल्यू जो होगा एज ऑन 31st March 2015 वो तीनों का मिला के मतलब इन्वेस्टमेंट का कितना रिकॉर्ड किया जाएगा। तो 406.5 प्लस आपका 54 एंड प्लस 135 मेरे बच्चे ये आ गया 595.5 लैक्स का, ये इन्वेस्टमेंट की वैल्यू रिकॉर्ड की जाएगी। आप समझ रहे हैं स्क्रिप्ट वाइज हमने क्या किया, उसको एग्रीगेट किया है और फिर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को निकाला, ये हमेशा आपका। अब जरा आते हैं अब क्वेश्चन के बाकी पार्ट में क्या बोला था, जरा उनको समझते हैं। पढ़िए जरा क्वेश्चन नंबर 3 का पॉइंट नंबर 1 क्या बता रहा है, पॉइंट नंबर 1 पढ़ेंगे आप। पॉइंट नंबर 1, कैन द कंपनी एडजस्ट डेप्रिसिएशन ऑफ ए पर्टिकुलर आइटम ऑफ इन्वेस्टमेंट विद इन द कैटेगरी। सर मतलब मैं काम करता हूँ इसको भी बाद में, पहले हमने 2 सॉल्व किया ना, पहले थर्ड का आंसर बता दो फिर 1 आपको समझ में आ जाएगा अपने आप। पहले थर्ड में आइए, थर्ड में इज इट पॉसिबल, क्या ये पॉसिबल है कि हम डेप्रिसिएशन ऑफसेट कर लें, ऑफसेट मतलब पहले वाले का दूसरे में सजेस्ट कर लें म्यूचुअल फंड का। ये देखो आप म्यूचुअल फंड के अंदर में आप चेक करो यहाँ पे मार्केट वैल्यू कम हो रहा है मेरे बच्चे, जितना कॉस्ट आपने लगाया था उससे कम हो रहा है, यानी कि यहाँ पे आपके एसेट्स में डेप्रिसिएशन हो रहा है।
आप चेक करो यहाँ पे आपका गवर्नमेंट सिक्योरिटी की वैल्यू बढ़ रही है, यानी कि यहाँ पे आपका एप्रिसिएशन हो रहा है, और यहाँ देखो यहाँ भी वैल्यू बढ़ रही है, ये भी आपका एप्रिसिएशन हो रहा है। क्या वो पूछता है कि क्या इसमें जो डेप्रिसिएशन हो रहा है वो डेप्रिसिएशन क्या इनके एप्रिसिएशन से ऑफसेट यानी कि एडजस्ट हो सकता है क्या? नहीं अलाउड है। हमने आपको दिखाया था कि एक कैटेगरी का डेप्रिसिएशन दूसरे में हुए एप्रिसिएशन से एडजस्ट नहीं होगा। इसका मतलब ये निकल के आता है कि ये जो आपको जितना भी डेप्रिसिएशन हो रहा है, जितने की वैल्यू कम हो रही है, इसको प्रॉफिट लॉस में दिखाओ और इसको हम क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे, और इसको इग्नोर करेंगे, मैंने बताया था। तो अब थर्ड का आंसर लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे आपका कि डेप्रिसिएशन इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट लिखिए साथ साथ इन म्यूचुअल फंड कैन नॉट बी एडजस्टेड फ्रॉम एप्रिसिएशन इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इन कहाँ जी, इक्विटी शेयर्स एंड दूसरा क्या है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आपका। तो ये बात आपको कह रहा है जो मैंने आपको समझाया, आई बात समझ में? अरे बात समझ में आई सर? हाँ सर, हाँ ये तो बात सर ठीक है, सर ठीक है, लेकिन सर आपने वन का क्यों छोड़ दिया, वो भी समझा दो ना। समझाता हूँ मेरे बच्चे, वन में पता क्या बोल रहा है, वन में क्या बोल रहा है मैं आपको दिखाऊँ। यहाँ पे वन में वो कहना चाहता है कि यहाँ पे जो आपका जैसे इक्विटी शेयर्स है, लिखना बंद करेंगे जैसे सुनेंगे आप, इसमें ए है, बी है, सी है, डी है, एंड सो ऑन। ए का कॉस्ट कहता है और मार्केट प्राइस, कॉस्ट कहता है आपका 60 है और यहाँ कहता है 61.20 है। फिर बी का कहता है कि 31.50 है और यहाँ पे आपका 24 है। उसी तरीके से सी का 60 है और 36 है, डी का कहता है कि 60 है एंड 120 एंड सो ऑन, ऐसे बात कहता है। वो ये कहता है, जरा पढ़ना फिर से पॉइंट नंबर वन को कि कैन द कंपनी एडजस्ट डेप्रिसिएशन ऑफ ए पर्टिकुलर आइटम ऑफ इन्वेस्टमेंट विद इन द कैटेगरी। मतलब क्या ये देखो, इसकी वैल्यू में आपका डेप्रिसिएशन हो रहा है, इसकी वैल्यू में आपका एप्रिसिएशन हो रहा है, इसकी वैल्यू में भी डेप्रिसिएशन हो रहा है और यहाँ भी आपका एप्रिसिएशन हो रहा है एंड सो ऑन। कहता कि क्या ये डेप्रिसिएशन जो हो रहा है, क्या इनके एप्रिसिएशन से एडजस्ट हो सकता है? हो ही रहा है मेरे बच्चे, वो हो रहा है ऑलरेडी, क्योंकि याद कीजिए आपने जो ये वैल्यू को लिया है ना, ये वैल्यू आपने इनका टोटल लिया। तो जब इनका टोटल लिया जा रहा है तो आपस में तो एडजस्टमेंट हो ही जा रहे हैं अपने आप। समझ लो मैं क्या बोल रहा हूँ, यानी कि अगर मान लो हमने इनका टोटल ऐड किया, तो टोटल लेने का मतलब कि आपस में जो डेप्रिसिएशन एप्रिसिएशन हो रहा है वो ऑलरेडी एडजस्ट होके ही आपका लिया जा रहा है यहाँ पे। यानी कि एक कैटेगरी के अंदर में जितने टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट है उनके आपस में सेटअप अलाउड है, क्योंकि तभी तो हम टोटल की बात कर रहे हैं। अगर ऐसा ना होता तो फिर सभी का अलग अलग हम यहाँ पे क्या करते हैं, लोअर को वैल्यू को लेते हैं आपका यहाँ पे, ठीक है ना। तो वन के आंसर में आप इस तरीके से लिखेंगे कि यस द कंपनी कैन एडजस्ट Depreciation of a particular item of investment within a category. एक कैटेगरी के अंदर में आप उनका आपस में डिस्मेंट कर सकते हैं। तो मुझे तो नहीं लगता कि हमारे जो छोटे छोटे प्यारे प्यारे आपके जैसे बच्चे हैं वो इस क्वेश्चन में अब आपके परेशान हो सकते हैं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। आप प्लीज़ कॉपी कर लो, फिर मैं आपको आगे बातें समझाऊंगा। अभी तक तो हमने सिर्फ कोटेड इन्वेस्टमेंट के बारे में बात किया मेरे बच्चे, अभी तक बात सिर्फ आपका कोटेड का हुआ। इसको मिटा दूँ मैं, ये हो गया सर? हाँ सर। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया सर? हाँ सर, पूरे तरीके से। यस सर एग्ज़ाम में क्या आएगा, कहा ना, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उसके सिवाय कुछ ना बनेगा ना बन सकता है।
आप बस मेरी क्लास पे फोकस करना। मैं जानबूझ के मेरे बच्चे मैंने आपको ये नोट्स बनाया है ताकि एग्जाम में कितना लिखना है कैसे लिखना है वो भी बातें आपके दिमाग में बैठ जाए, ठीक है ना। तो चलो जरा बात हो गई आपका कोटेड का, अब हम बात स्टार्ट करेंगे अनकोटेड का। ओह बहुत मुद्दत के साथ मैंने नोट्स आपके लिए बनाए हैं, है ना, बहुत बहुत मुद्दत के साथ लिखी मेरे साथ यहाँ पे। अब हेडिंग डालेंगे आप वैल्यूएशन, वैल्यूएशन ऑफ अनकोटेड अनकोटेड करंट इन्वेस्टमेंट। मतलब साफ सी बात है कि अनकोटेड का मतलब क्या हो गया जी, इनका मार्केट वैल्यू हमें अवेलेबल नहीं है। अगर इनकी मार्केट वैल्यू अवेलेबल नहीं है तो फिर हम उसको कैसे वैल्यू करेंगे, उसके बारे में समझा रहा हूँ। आप एक काम करेंगे, लिखिए जरा मेरे साथ यहाँ पे, रुको जरा मैं कुछ निकाल दूँ आपके लिए यहाँ पे। हाँ लिखेंगे आप यहाँ पे इसके अंदर में नंबर ए, फॉर द पर्पस ऑफ वैल्यूएशन अनकोटेड करंट इन्वेस्टमेंट shall be grouped into फॉलोइंग कैटेगरी। वैसे ही जैसे हमने उनका किया था कोटेड वाले का, सेम वही बच्चे। नंबर वन इक्विटी शेयर्स में आपने कितने पैसे लगाए हैं। नंबर टू प्रेफरेंस शेयर्स में आपने कितने पैसे इन्वेस्ट किए हैं। उसके बाद वैसे ही आपका जैसे थर्ड में हमारा था डिवेंचर्स में जो पैसे इन्वेस्ट किए, बॉन्ड्स था ना वहाँ भी सर, हाँ सर, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में हमने कितने पैसे लगाए हैं अनकोटेड आपका 6, म्यूचुअल फंड में कितने लगाए हैं, और 7th में आपका अदर्स में गोल्ड हो गया या कुछ और बोलेगा तो वो भी देख लेंगे, ठीक है ना। देखो मैं पहले बता दूँ सिंपल वाली बातें, प्रेफरेंस शेयर्स इसको छोड़ दो अभी यहीं पे, लिखिए इसके बारे में। कहता है कि दे आर वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस और फेस वैल्यू विच एवर इज लोअर, क्योंकि हमें मार्केट प्राइस नहीं पता तो हम क्या करेंगे, इनका कॉस्ट देख लेंगे जो हमने कॉस्ट पे किया है और इसकी फेस वैल्यू क्या है जो भी लोअर होगा उस पे। अगर वो डिवेंचर्स है तो मेरे बच्चे ओनली एट कॉस्ट प्राइस, इनका वैल्यूएशन आपका कॉस्ट प्राइस पे होगा। बॉन्ड्स हो तो अगेन ओनली एट कॉस्ट प्राइस, इनको भी हम कॉस्ट प्राइस पे वैल्यू करेंगे। अगर वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी हुआ अगेन आपका ओनली एट कॉस्ट प्राइस पे आपका हो गया। म्यूचुअल फंड अगर होगा तो हम उसका क्या करेंगे जी, कॉस्ट प्राइस देखेंगे और हम चेक करेंगे आपका कॉस्ट प्राइस और नेट एसेट्स वैल्यू। सर ये कैसे निकलता है बताऊंगा आगे, नेट एसेट्स वैल्यू विच एवर इज लोअर। ये ध्यान रखना अनकोटेड की हम बात कर रहे हैं। अगर कोई अदर्स और हो गया हमारे बच्चे, कॉस्ट प्राइस पे उसको वैल्यू कर लेंगे, ठीक है ना। आप लिख लो यहां पे, लिखेंगे आप यहां पे, फिर मैं आपको थोड़ा और आगे लेके चलूंगा। कहां चला गया वो नोट। हाँ जी, आप पहले इसकी कॉपी कर लो यहां तक। आप अगर मैं इक्विटी शेयर्स की बात छोड़ दूं तो प्रेफरेंस शेयर्स कॉस्ट प्राइस और फेस वैल्यू यहाँ पे आएगा, ठीक है ना, विच एवर इज लोअर आएगा।
डिवेंचर्स कॉस्ट प्राइस, बॉन्ड्स कॉस्ट प्राइस, गवर्नमेंट सिक्योरिटी कॉस्ट प्राइस, म्यूचुअल फंड की बात करें तो कॉस्ट प्राइस और नेट एसेट्स वैल्यू विचेवर इज लोअर, ये क्या होता है हम बाद में देखेंगे। बाकी सबका मतलब सिर्फ यहाँ फेस वैल्यू आ गया, बाकी तो मुझे कुछ नहीं दिखता। इक्विटी शेयर्स के बारे में हमें समझना होगा, जो एग्ज़ाम के मुताबिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है इस बात को समझना कि उसकी वैल्यू कैसे निकाली जाएंगी। ठीक है, तो आइए जरा हम शुरू करते हैं। यहाँ पे आपका लिखेंगे इसके बारे में, या फिर इसको लिखो सी इन डिटेल्स गिवन बिलो। इसके बारे में हम क्या करेंगे, कुछ डिटेल में मैं कुछ आपको यहाँ पे समझाऊंगा और पहले मैं इसको मिटाऊंगा। ये हो गया आपका, याद रखना कोटेड करंट इन्वेस्टमेंट कोई भी हो, करंट प्राइस सॉरी कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस सूचीबद्ध लोअर। अगर वो अनकोटेड है तो अनकोटेड में हमने कैटेगरी वही दिखाया, प्रेफरेंस शेयर्स का जो वैल्यूशन किया जाएगा तो कॉस्ट प्राइस और फेस वैल्यू हो गया, और बाकी में तो सभी कॉस्ट प्राइस चल रहा है, एक छोड़ के म्यूचुअल फंड में आपका जिसमें कि कॉस्ट प्राइस और नेट एसेट्स वैल्यू आपका। आइए जरा अब लिखेंगे मेरे साथ, यहाँ पे लिखेंगे डिटेल में, यहाँ पे वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट इन ऑफ करंट इन्वेस्टमेंट कर दो, पहले करंट इन्वेस्टमेंट इन अनकोटेड इक्विटी शेयर्स, मतलब जिसका मार्केट वैल्यू अवेलेबल नहीं है हम उसको कैसे वैल्यू करेंगे। ठीक है ना, लिखिए मेरे साथ यहां पे, लिखेंगे इसके अंदर में दे शैल बी वैल्यूड एट, अभी सोचना कुछ नहीं बस लिखते चलना सारी बातें समझाऊंगा, दे शैल बी वैल्यूड एट कॉस्ट और ब्रेकअप वैल्यू विच एवर इज लोअर। एक नया वर्ड मिला आपको, ब्रेकअप वैल्यू फुल स्टॉप। आगे लिखना हाउएवर एनबीएफसी मे सब्स्टिट्यूट, वो चाहे तो सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं फेयर वैल्यू विथ ब्रेकअप वैल्यू, मतलब अगर वो चाहें तो ब्रेकअप वैल्यू की जगह पे फेयर वैल्यू भी ले सकते हैं। एक नया वर्ड फिर से आपको मिल गया, एग्जाम में कुछ ना बोले तो हमेशा ब्रेकअप वैल्यू, अगर वो कहे कि नहीं जी भैया कंपनी की पॉलिसी की फेयर वैल्यू पे वैल्यू करें तो फेयर वैल्यू निकाल देंगे। सर वो कैसे निकलता है समझाऊंगा, पहले आप इसके आगे लिखना, ये आपका यहाँ पे पहला एरो हो गया, सेकेंड एरो समझने के लिए फेयर बैलेंस शीट ऑफ ध्यान से इन्वेस्टी कंपनी का मतलब होता है कि जिस कंपनी के इक्विटी शेयर्स में आपने इन्वेस्टमेंट किया है, इफ बैलेंस शीट ऑफ इन्वेस्टी कंपनी इज नॉट अवेलेबल, ये क्वेश्चन एक एक दो नंबर के बन जाते हैं, इज नॉट अवेलेबल फॉर लास्ट टू ईयर्स कर दो, पिछले दो वर्षों का अगर बैलेंस शीट हमें अवेलेबल नहीं है तो कॉमा सच शेयर्स कहता है कि शैल बी वैल्यूड एट रुपी वन ओनली। बहुत ध्यान से, अगर कोई कंपनी क्योंकि अनकोटेड है इनका मार्केट प्राइस अवेलेबल नहीं है, अगर वो कंपनी पिछले दो साल के बैलेंस शीट की जानकारी आपको नहीं दे पाती किसी भी रीजन से, वो अभी अभी कंपनी स्टार्ट हुई होगी या कुछ भी ऐसा हुआ होगा, तो आप उस कंपनी के शेयर की वैल्यू को वन रुपये वैल्यू करेंगे आपका। ठीक है ना, अब जरा आइए इसके बाद हम यहाँ पे लेके चलते हैं आपके लिए नोट, या फिर मैं ऐसे दिखा दूँ यहाँ पे, एरो अच्छा लगेगा आपको। अब ये ब्रेकअप वैल्यू क्या होता है, लिखे ब्रेकअप वैल्यू मीन्स
ब्रेकअप वैल्यू का मतलब क्या होता है जी? तो कहता है कि इसका मतलब है कि आप क्या क्या लेंगे इसको निकालते समय, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस ऑल रिजर्व्स आगे ब्रैकेट में एक्सेप्ट एक्सेप्ट नॉन कैश, जो नॉन कैश रिजर्व होते हैं जैसे रिवॉल्यूशन रिजर्व हो गया उनको छोड़ के, वो नहीं लिए जाएंगे। और इसमें माइनस कर दिया जाएगा आपके इनटेंजिबल एसेट्स की वैल्यू, अगर कुछ है इनटेंजिबल एसेट्स कोई भी हो, जैसे फॉर एग्जांपल आपका गुडविल हो गया, पेटेंट्स हो गया, कोई भी हो एक्सेट्रा, ट्रेडमार्क हो गया, कोई भी हो, उसको माइनस करेंगे। और माइनस करेंगे लॉसेज या फिर कोई एक्सपेंसेज जो अपीयरिंग इन बैलेंस शीट है, कोई लॉस आपका जैसे रिजर्व ऐड किया तो लॉस को माइनस कर देंगे, कोई एक्सपेंसेस जो डिफरल नेचर के हैं जिनको हमने अभी तक प्रॉफिट लॉस से माइनस नहीं किया उसको माइनस कर देंगे, ठीक है ना। इनको माइनस करने के बाद फिर जो वैल्यू आपका आएगा, ये हमने क्या किया जी, इन सबको प्लस किया और इसको माइनस किया, फिर जो वैल्यू आएगा, मान लो इस वैल्यू को मैं ए कह दूँ, ए, तो मेरे बच्चे आपने यहाँ पे जब निकाला जाएगा ब्रेकअप वैल्यू, ब्रेकअप वैल्यू, तो आप इस ए को डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स किसका जी, ऑफ इन्वेस्टी कंपनी, मतलब जिस कंपनी का ब्रेकअप वैल्यू आप निकाल रहे हो इन्वेस्टी कंपनी, तो आपका ब्रेकअप वैल्यू निकल के आ जाएगा, ब्रेकअप वैल्यू हो गया पर इक्विटी शेयर। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप देखो तो यहाँ पे हम इसको कभी कभी आपका इंट्रिंसिक वैल्यू भी कह देते हैं। मेरे बच्चे आप अगर चेक करो तो हमने क्या किया, जिस कंपनी में हमने शेयर्स में पैसा लगाया है, जिस कंपनी में हमने इन्वेस्टमेंट किया है, अगर वो अनकोटेड है तो उसके शेयर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। हमने कहा कि भैया बैलेंस शीट में जितना इक्विटी है, जितने रिजर्व है सब ऐड कर देना, नॉन कैश छोड़ देना, क्योंकि ये कभी आता नहीं है, ये नॉन कैश है, ये तो ऐसे क्रिएट होता है। कितने भी इंटेंजिबल उसको हटाइए, लॉसेज को हटाइए, जो निकल के आएगा उस वैल्यू को उस कंपनी के नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स से डिवाइड कर दो, पर इक्विटी शेयर्स की वैल्यू निकल के आ जाएगी। और फिर आपने क्या करना है, उस इन्वेस्टमेंट के टोटल कॉस्ट इंटू और टोटल ब्रेकअप वैल्यू को कंपेयर करके लोअर पे आप उसको वैल्यू कर लेंगे, ठीक है ना। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे एक वर्ड आपके पास आ गया जी, कौन सा, ब्रेकअप वैल्यू, वो तो मैंने आपको समझा दिया। फिर फेयर वैल्यू क्या होता है, जिसे सब्स्टिट्यूट करने की बात कर रहा है, तो लिखो यहां पे आपका फेयर वैल्यू मींस, इसका मतलब क्या होता है जी, कहता है कि मीन ऑफ, मीन का मतलब क्या होता है, एवरेज, मीन ऑफ किसका जी, अर्निंग वैल्यू एंड ब्रेकअप वैल्यू। एक पॉइंट तो ठीक से समझ में आता नहीं तो दूसरा नाम आ गया। सर इसको तो आपने समझा नहीं, समझाऊंगा बच्चे। फेयर वैल्यू को जब समझा शुरू किया, जिससे हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं, तो एवरेज लिया जाएगा जी अर्निंग वैल्यू का एंड ब्रेकअप का। लो अर्निंग वैल्यू अब क्या होता है ये भी सीख लें हम यहाँ पे। तो आओ ना, लिखो ना, लिखो ना, सारी बातें समझाएंगे, लिखेंगे आप अर्निंग वैल्यू, हम इस पर क्वेश्चन भी देखेंगे। अर्निंग वैल्यू अगर हमें निकालना है, लिखना मींस वैल्यू ऑफ एन इक्विटी शेयर, वैल्यू ऑफ एन इक्विटी शेयर, वैल्यू ऑफ एन इक्विटी शेयर कंप्यूटेड बाय टेकिंग द एवरेज ऑफ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ऑफ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एज रिड्यूस्ड बाय डिविडेंड
ऑन प्रेफरेंस शेयर्स, डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स एंड एडजस्टेड फॉर एक्स्ट्राऑर्डिनरी एंड एक्सेप्शनल आइटम्स. मतलब अभी बताऊंगा. एक्स्ट्राऑर्डिनरी एंड सॉरी एक्सेप्शनल तो ना करके एंड नॉन रेकरिंग कर दीजिए, नॉन रेकरिंग आइटम्स जो बार बार बिजनेस में नहीं होते. फॉर इमीडिएटली प्रीसीडिंग थ्री इयर्स एंड फर्दर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ इन्वेस्टी कंपनी एंड कैपिटलाइज्ड. सर ये क्या है, लिखो दो. एंड कैपिटलाइज्ड विथ फॉलोइंग रेट्स. वो क्या रेट है तो नंबर लिखेंगे ए के अंदर में यहाँ पे. इन केस ऑफ प्रीडोमिनेंटली मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, अगर वो कंपनी इन्वेस्टी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व है तो कहता है कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के केस में जो आप इसको कैपिटलाइज करेंगे वो आपका 8% होगा. ये रेट याद रखना पड़ेगा. बी में लिखेंगे आप यहाँ पे इन केस ऑफ प्रीडोमिनेंटली का मतलब होता है जो मेन काम इसी सेगमेंट में करती है, नेंटली ट्रेडिंग कंपनी अगर है, अगर वो ट्रेड में इन्वॉल्व है तो जो कैपिटलाइजेशन रेट यहाँ पे लिया जाएगा वो कहता है कि 10% है. और जो आपकी इन्वेस्टी कंपनी है अगर वो कोई आपका अदर कंपनी है, इन केस ऑफ एनी अदर कंपनी, कोई और भी कोई काम में है जी, सर्विस सेक्टर में है, कोई भी काम में इंक्लूडिंग अगर वो जिसमें आपने पैसा लगाया है कोई NBFC भी है किसी में भी, तो कैपिटलाइजेशन रेट यहाँ पर 12% का होगा. 12% का इसको आपको याद करना पड़ेगा. सर ये क्या है, सर हमें कुछ समझ में नहीं आया. मैं समझाता हूँ ना बच्चे, मैं हूँ ना, मैंने एग्जाम्पल बनाया है आपके लिए, मैंने बनाया है, आप चिंता ना करो, आप लिख दो. मेरी एक मजबूरी है, मैं इसको मिटाऊंगा, लेकिन जब मैं आपको समझाऊंगा कि ब्रेकअप वैल्यू क्या होता है तो मैं अपने नोट से पढ़ लूँगा और आपके पास जो आपका रजिस्टर है अब उसमें से देख लेंगे. पहले सुन लो यहाँ पे मैंने क्या बताया. हमने कहा है कि जब भी आप अपने अनकोटेड इक्विटी शेयर्स जो करंट है उसको वैल्यू करेंगे तो कॉस्ट ऑफ ब्रेकअप वैल्यू विच एवरेज लोअर. जब बात यहाँ पे ब्रेकअप वैल्यू की उठेगी तो हमने कहा कि अगर NBFC चाहे तो सब्स्टिट्यूट कर सकते, मैं चाहे तो इससे इस वैल्यू को. ब्रेकअप वैल्यू क्या होता है सिंपली देखा जाए तो अगर किसी कंपनी जिसमें आपने पैसा इन्वेस्ट किया है अगर उस कंपनी को आज हम बेच देते हैं तो इक्विटी वालों को कितना पैसा मिलेगा. उसके लिए हमने क्या किया, इक्विटी शेयर कैपिटल लिया, सारे रिजर्व नॉन कैश को छोड़ के इनटेंजिबल एसेट्स को हटा दिया क्योंकि इसको कंपनी के बंद होने के बाद इससे कुछ पैसा मिलता नहीं है, लॉसेज तो कभी कुछ मिलेंगे नहीं, तो आपका जो अमाउंट आएगा नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड कीजिए, ब्रेक वैल्यू निकल के आ जाएगा. अगर फेयर वैल्यू निकालना है तो हमने कहा कि भैया आप अर्निंग वैल्यू का और ब्रेकअप का एवरेज ले लो. ब्रेकअप वैल्यू तो मैंने आपको बता दिया, अर्निंग वैल्यू क्या होता है, अर्निंग वैल्यू में कहा जाता है, ध्यान से देखिए, क्योंकि हम कंपनी के शेयर्स को वैल्यू कर रहे हैं तो कंपनी का प्रॉफिट, और हां ऑपरेशन से
कुछ उल्टे सीधे आपने इंश्योरेंस क्लेम आपको मिल गया, आग लगी, कुछ गुड्स लॉस्ट हो गए, कुछ वीआरएस में इंप्लॉय को पे कर दिया, ऐसे खर्चे ऐसे इनकम की हम बात नहीं करेंगे। हमने कहा कि भैया आप एक काम करना, जब अर्निंग वैल्यू निकालोगे तो जो एवरेज जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, पहले एक काम करो इसमें से आप प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड हटा दो, क्योंकि वैल्यू यहाँ पे इक्विटी शेयर्स का किया जा रहा है, इक्विटी की अर्निंग की बात करेंगे। और हाँ, इस प्रॉफिट को निकालते समय अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या फिर नॉन रिकरिंग टाइप का कोई आइटम्स प्लस माइनस किया है तो उनको माइनस प्लस कर दो, क्योंकि जब शेयर्स की वैल्यू की जाती है तो हम नॉर्मल नेचर के जो एक्सपेंसिज इनकम है हम उन्हीं को कंसिडर करते हैं। आपने प्रॉफिट निकालते समय एक वीआरएस पे किया 50 लाख रुपये का, वो थोड़े रूटीन में खर्च होता है, उसके इम्पैक्ट को हटा दो। मतलब प्रॉफिट निकालते समय अगर उसको माइनस किया था तो एडबैक कर दो। अगर आपने कोई इंश्योरेंस क्लेम रिसीव किया था तो वो थोड़े रूटीन में कोई एक्सपेंस आपका कोई रिसीव करता है जी, आपने प्रॉफिट में ऐड किया तो उसको माइनस कर दो। आग लगी थी, गुड्स लॉस्ट हो गए थे, आपने प्रॉफिट में उसको खर्च के रूप में माइनस किया, वो रूटीन में नहीं होते, उसको हटा। मतलब जितने भी नॉन रिकरिंग या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइप के आइटम्स हैं उनके इम्पैक्ट को ख़त्म कीजिए, और प्रॉफिट में से प्रेफरेंस का भी हटाओ, फिर जो पैसा बचेगा उसको नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड कर देना, और जो आएगा फिर ऐसे उसको कैपिटलाइज किया जाएगा। इसका क्या मतलब है, क्या मतलब है, इन बातों को मैं आपको कुछ क्वेश्चन से समझाऊंगा। तो पहले मैं इसको मिटाता हूं मेरे बच्चे, पहले इसको मिटाता हूं और फिर देखो क्या मजा आएगा। आप जब किसी एनबीएफसी में काम करने जब जाओगे ना, और ये नॉलेज जब आपको पहले से पता होगा, तो आपका सीनियर जो होगा ना, आपके उसके अंदर एंटर करते ही क्या करेगा, काम छोड़ के भाग जाएगा, क्योंकि वो आदमी जो इतने सालों से काम कर रहा है उसको भी उतना नॉलेज नहीं जितना आपको आ गया। आप बिलीव करो, कभी जब आप खूब बड़े आदमी बन जाओगे, आप जब डिग्री कंप्लीट कर लोगे, आप एनबीएफसी के अंदर में काम करने गए, तो जैसे ही आपका पहला कदम एनबीएफसी के उस ऑफिस के अंदर पड़ेगा, एक जबरदस्त आंधी सी आएगी। वो आंधी जो होगी बच्चे, जितने भी आपके सीनियर वहाँ पे बैठे होंगे उनको मजबूर कर देगी कि वो कुर्सी को खाली कर दें, क्योंकि आप वहाँ पे आ गए हो। अब वो कुर्सी उनका नहीं रहा, कुछ समय में वो कुर्सी आपका होने वाला है, क्योंकि नॉलेज जो आपका है वो कहीं उनसे ज़्यादा हो जाएगा। तो फिर क्यों नहीं, जरा बताओ, पढ़ने के बाद इतना नॉलेज तो फिर कंपनी में जब काम करने जाएंगे फिर तो हम पता नहीं क्या क्या करके आ जाएंगे। हाँ, इसलिए उनको कह देना कि बस हम लोग आ गए हैं। लिखो जरा यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर वन आपका, एग्जाम्पल नंबर वन, एक बैलेंस शीट आप मेरे साथ बनाओ। मान लो एक एक्स लिमिटेड का नाम ले रहे हैं जो कि अनकोटेड कंपनी है, ये लिस्टेड नहीं है बच्चे। जो कंपनी लिस्टेड नहीं होते स्टॉक मार्केट में, स्टॉक एक्सचेंज में, वो अनकोटेड आपके होते हैं। इनका शेयर हमें की वैल्यू अवेलेबल नहीं होती, हमें निकालना होता है। तो आप जरा पुराने फॉर्मेट में दिखा दूँ क्या फ़र्क पड़ता है आपको। यहाँ पे मैंने कुछ नाम ले लेता हूँ मैं, जैसे कि नॉन करंट एसेट्स आपके एसेट साइड में, नाम वही नए फॉर्मेट के मुताबिक, लेकिन ऐसे दिखा देते हैं क्या चला जाएगा। इसमें जो आपके टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स हैं, ओ लो मैंने तो जोश में ये कॉलम बनाया नहीं, फिक्स्ड एसेट्स आपके जो हैं वो मान लो आपके 20 लाख के हैं, 20 लाख रुपये। फिर आपके जो इनटेंजिबल एसेट्स हैं, गुडविल हो गया, पेटेंट्स, कुछ भी हो जाए, इनटेंजिबल जो आपके एसेट्स हैं वो मान लो कहता है कि 5 लाख का है। फिर आपके अदर करंट एसेट्स यहाँ पे कहता है अदर करंट एसेट्स, और इसके अंदर में अदर करंट एसेट्स के अंदर में ब्रैकेट में कहता है कि मान लो कोई डिस्काउंट है ऑन डिवेंचर्स, मतलब डिवेंचर्स जब इशू किए गए थे हमने कुछ डिस्काउंट अलाउ किया, अभी तक राइट ऑफ नहीं किए, मान लो 2 लाख का अमाउंट है। फिर कहता है कि जो आपके करंट एसेट्स हैं वो हमें उसका डिटेल नहीं चाहिए, वो कहता है कि मान लो टोटल आपका 13 लाख का अमाउंट है। ये एग्जाम्पल मैंने बनाया है आपके लिए, मैंने रात रात में जग के कई वर्षों से मैं सोया नहीं आपको इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ाने के लिए। फिर यहाँ पे कहता है आपका इक्विटी शेयर कैपिटल, यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल जो है ये कहता है ऑफ ₹10 ईच, 10 रुपये वाले जो हैं ये 5 लाख का अमाउंट है, 5 लाख का अमाउंट। फिर कहता है आपका 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, साथ साथ लिखेंगे आप, आपको लिखना है मेरे साथ, आगे पीछे नहीं, ये कहता है कि 3 लाख का अमाउंट है आपका यहाँ पे। फिर आपके जो रिजर्व्स एंड सरप्लस हैं,
रिजर्व्स एंड सरप्लस, इसके अंदर में आपको कहता है जनरल रिजर्व, ये आपका 12 लाख का अमाउंट है। फिर कहता है आपका सिक्योरिटी प्रीमियम 3 लाख का अमाउंट है। और मेरे बच्चे फिर कहता है रिवैल्यूएशन रिजर्व, रिवैल्यूएशन नॉन कैश होता है, आपने किसी फिक्स एसेट्स को रिवैल्यू किया होगा और बैलेंस शीट को टैली करने के लिए आपने इसको क्रिएट किया होगा 2 लाख, ये नॉन कैश होता है। और फिर आपकी लाइबिलिटीज, जो हमारी लाइबिलिटीज है वो कहता है मान लो 15 लाख का, तो ये दोनों साइड आपका टोटल जो आ गया वो 40 लाख का अमाउंट यहाँ भी निकल के आ गया। बोलता है कि कैलकुलेट, आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है ब्रेकअप वैल्यू पर इक्विटी शेयर, ठीक है ना। तो कहता है जरा बताओ जी आपका ब्रेकअप वैल्यू क्या निकल के आएगा, आप मुझे बताओ, क्यों नहीं निकाल लेंगे। आप लिख लिए यहाँ पे, सर हाँ सर, करूँ मैं सॉल्यूशन, सर हाँ सर, लिखो ना फिर यहाँ पे सॉल्यूशन, लिखिए कंप्यूटेशन ऑफ ब्रेकअप वैल्यू पर इक्विटी शेयर आपका। अब एक काम करो, हमने कहा था कि आप लीजिए इक्विटी शेयर कैपिटल, बताओ कितना बता रहा है क्वेश्चन में, ये कहता है आपको 5 लाख का अमाउंट ये लीजिए। प्रेफरेंस में आएगा, नहीं सर हम तो इक्विटी की वैल्यू निकाल लो, प्रेफरेंस क्यों लेंगे, सारे रिजर्व कभी भी देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ किसके होते हैं जी, इक्विटी वालों के। तो कौन कौन सा हो गया, जनरल रिजर्व, हर एक रिजर्व कैश वाला होता है एक्सेप्ट आपका ये, तो 12 लाख का अमाउंट हो गया। सिक्योरिटी प्रीमियम, ये भी आपका कैश में है, कुछ ना बोले तो हमेशा रिजर्व कैश में मानते हैं कि कैश में आया होगा, और ये तो नाम ही बता दिया रिवॉल्यूशन, तो ये नॉन कैश हो गया, ये नहीं लूंगा मैं। ये टोटल कितना हो गया, 20 लाख, है ना, 20। माइनस कीजिए आप इसमें से क्या जी, एक तो इनटेंजिबल एसेट्स की वैल्यू, तो जितने भी हमारे पास इनटेंजिबल एसेट्स हैं हम उनको माइनस कर देंगे, यानी कि 5 लाख की वैल्यू, और आप माइनस कर देंगे अगर कोई लॉसेज या एक्सपेंस बैलेंस शीट में है, डिस्काउंट ऑन डिवेंचर्स हमें दिख रहा है, कोई भी लॉस या कोई भी एक्सपेंस बैलेंस शीट में दिखेगा हम उसको भी हटा देंगे 2 लाख का अमाउंट, तो बताओ कितना बच गया, 13 लाख। पर बच्चे अगर हमें निकालना है ब्रेकअप वैल्यू पर इक्विटी शेयर, तो हम क्या करेंगे, ये 13 लाख की जो वैल्यू है आप इसको डिवाइड कर देंगे किससे जी, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड करेंगे। जरा बताओ इक्विटी शेयर्स के नंबर कितने हैं, 5 लाख का अमाउंट है, एक शेयर 10 का, तो नंबर कितना हो गया, 50,000 शेयर्स आपका, ये तो आपको पता ही होगा, आप बड़े बच्चे हैं, तो जरा बताओ 13 लाख रुपीज और डिवाइड बाई 50,000, तो कितना निकल के आ गया हमारा, ये आ गया आपका रुपीज 26। मेरे बच्चे ब्रेकअप वैल्यू जो आ गया वो 26 आ गया पर इक्विटी शेयर आपका, यहाँ पे हो गई बात। अगर आपको इक्विटी शेयर्स को वैल्यू करना है अनकोटेड इन्वेस्टमेंट के रूप में, तो उसका जो कॉस्ट आपने पे किया होगा एट द टाइम ऑफ परचेज वो ले लो आप, और या फिर आपने क्या करना है, ब्रेकअप वैल्यू आपको लेना है, विच एवर इज लोअर आपका, हो गई बात है। तो मान लो ये जो आपका यहाँ पे इक्विटी शेयर्स है जिसकी आज ब्रेकअप वैल्यू 26 है, आपने यानी कि NBFC ने अगर इसको सपोज दैट 20 में परचेज किया होगा, मान लो मत लिखना आप आगे, अगर उसकी कॉस्ट 20 रही होगी तो ब्रेकअप वैल्यू कितना आ गया जी, 26, लोअर कौन सा, इस पे वैल्यू किया जाएगा। अगर आपने इसको 40 में परचेज किया था और ब्रेकअप वैल्यू आपका यहाँ पे 26 होगा तो कितने वैल्यू किया जाएगा, 26 पे किया जाएगा, मतलब विच एवर इज लोअर आपका। तो ये कोई बड़ी बात तो नहीं है, हम वैल्यू कर लेंगे यहाँ पे, आप प्लीज कॉपी कर लो। हो गया सर, एक काम करो ना सर,
अगर आपने ब्रेकअप वैल्यू समझा ही दिया तो सर वो एक फेयर वैल्यू था और एक अर्निंग वैल्यू, तो वो भी समझा दो ना। आओ ना बच्चे, आप ऐसे क्यों गिड़गिड़ाते हो? अरे मैं हूँ ना आपको समझाने के लिए, मैं चाहता हूँ कि आप बोलो और आप गिड़गिड़ाओ, ऐसा नहीं चाहता मैं, बस बोल दो एक बार कि सर आप हमें समझा दो, मैं समझा दूंगा आपको। अब मैं आपको दिखाऊं फेयर वैल्यू कैसे निकाला जाएगा, अर्निंग वैल्यू कैसे निकाला जाएगा इक्विटी शेयर्स को वैल्यू करने के लिए। कौन सी इक्विटी की बात कर रहे हैं? अनकोटेड। कौन सा? अनकोटेड एंड करंट। अभी हम लॉन्ग टर्म की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आओ जरा हम एक काम करते हैं ओह गला पूरा का पूरा छिल चुका है बच्चे, गला छिल चुका है, जिह्वा जो है ना, जिह्वा जिससे बोलते हैं, वो कट चुका है। मैं क्या करूँ, चिल्लाता हूँ, चिल्लाने से फिर जीभ लटखटाता है ऐसे 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 ऐसे, फिर दांत जो है मेरे पहने वाले दांत हैं उसके बीच में जाता है, कट से काटता हूँ, फिर तो गुदगुदी होती है अंदर में वो, उसके बाद तो फिर पता नहीं क्या क्या होता है, तीन दिन चार दिन मैं बोल ही नहीं पाता। मैं क्या करूँ बताओ ज़रा, किससे दुख अपने शेयर करूँ, किससे शेयर करूँ। आप तो कुछ मुझसे बात करते नहीं हो, ये बदमाश, ये एक कैमरा खड़ा है चुपचाप देखते रहता है, ना आंखें मटकाता ना कुछ, बस देखते रह जाता है, किससे बात करूँ मैं। चलो कोई बात नहीं, मिलूँगा कभी आपसे। पहले काम करते हम, क्यों ना ज़रा अर्निंग वैल्यू पे भी एग्जांपल देख लें हम लोग जी। ओहो मुझे ये बैलेंस शीट मिटाना नहीं था, लेकिन चलो कोई बात नहीं, मिटा दिया। चलो छोड़ो, दूसरा एग्जांपल लिखो, एग्जांपल नंबर टू लिखेंगे आप मेरे साथ यहाँ पे, एग्जांपल नंबर टू। इस बार आप एक काम करो, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाइए मेरे साथ, यानी कि प्रॉफिट लॉस अकाउंट बेसिकली। और हम लोग इसका एक काम करते हैं, ये आपका यहाँ रहा, ये भी आपका जी ऑफ एक्स लिमिटेड है, और मैं कह दूँ ये अनकोटेड कंपनी है, इसका भी शेयर्स मार्केट में लिस्टेड नहीं है। कहता कि ये जो आपका इसका जो रेवेन्यू है, मतलब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब सेल्स हो गया, इसने एक साल में जो सेल्स किया है वो एक काम करे, रुको, आप यहाँ पे कहानी थोड़ा बढ़ा दो, और ये एक साल नहीं, दो साल भी नहीं, मैं आपको तीन साल देता हूँ, तीन साल। और मैं यहाँ बता दूँ, चलो मैं कोई आपका जैसे मान लो इसको ले लूँ, मैं क्या ले लूँ बताओ, 15, 16, 16, 17 and 17, 18 आपका, चलो ये तीन साल ले लिया, कोई भी ले सकते हैं। यहाँ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कहता आपका यहाँ पे 60 लाख का अमाउंट है, तीन साल हमने ले लिया, तीन साल क्यों मैं बताऊँगा। और ले लो कोई, हमने सेल ऑफ स्क्रैप भी किया है मेरे बच्चे, स्क्रैप मान लो 5 लाख का, पहले इसको फिल कर लो, उसके बाद उनको भी फिल कर लेंगे, ये टोटल आपका 65 लाख का अमाउंट हो गया। फिर कहता है एक्सपेंसेस में आपके कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड यहाँ पे 8 लाख का अमाउंट है, इसके बाद आपका एम्प्लॉयज बेनिफिट कॉस्ट ये आपका 2 लाख रुपए का अमाउंट है। फिर डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन ये आपका 3 लाख का अमाउंट है। फाइनेंस कॉस्ट कुछ इंटरेस्ट सब जो आपने पे किया होगा वो 4 लाख का अमाउंट है। और फिर अदर एक्सपेंसेस ये कहता है मान लो 1 लाख रुपीज का अमाउंट आपका है। तो इस तरीके से ये जो टोटल एक्सपेंस आपका हो गया यहाँ पे, ये मान लो आपका 18 लाख का अमाउंट निकल के आ गया, 18 लाख का। इस तरीके से जो आपका प्रॉफिट है बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंड नॉन रिकरिंग कह दो या एक्सेप्शनल आइटम्स, ए माइनस बी मतलब दिस इज ए एंड दिस इज बी
तो ए माइनस बी, ये आ गया आपका यहाँ पे 47 लैक्स का अमाउंट। इसमें से हटाइए आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, कुछ हुआ होगा जी, जैसे वीआरएस है, कुछ लॉस, कुछ, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, 7 लाख, मतलब जो बिजनेस के रूटीन में नहीं होते, तो आपका निकल के आ गया यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना, 40 लाख का अमाउंट, 40 लाख का अमाउंट आपका हो गया। इसके बाद आपने यहाँ पे हटाया यहाँ पे प्रोविजन फॉर टैक्स, और ये अमाउंट आपका मान लो कहता है 12 लाख का अमाउंट है, तो आ गया आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और ये अमाउंट आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया 28 लाख का अमाउंट, ठीक है ना, ये एक साल की कहानी हुई। इसी तरीके से मैं आपका दूसरा तीसरा साल भी दिखा दूं। मान लो सेकेंड ईयर में, सेकेंड ईयर में जो प्रॉफिट आपका यहाँ पे आया, ये मान लो आपका यहाँ पे 50 लाख का अमाउंट है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ है नहीं यहाँ पे नील, तो 50 लाख हो गया। और आपका प्रोविजन फॉर टैक्स मान लो यहाँ पे आपका 15 लाख है, ऐसे डमी फिगर है क्योंकि 3 साल के बेसिस पे अर्निंग वैल्यू निकाला जाता है, इसलिए मेरे बच्चे ये 35 लाख का अमाउंट आ गया। और तीसरे साल में मान लो ये 60 लाख का अमाउंट आपका है यहाँ पे, ये भी आपका यहाँ पे नील कर दो, तो 60 लाख का अमाउंट आपका हो गया। ये मान लो आपका 20 लाख है, तो 40 लाख का अमाउंट ये निकल के आ गया, ठीक है ना। ये हमारा हो गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। फिर कहता है क्वेश्चन के अंदर में लिखेंगे आप इक्विटी शेयर कैपिटल, अलग से बता रहा हूं आपको, इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ रुपीज 10 ईच, और ये कहता है रुपीज 5 लाख, फिर 12% कहता है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ये कहता है आपका यहां पे रुपीज 3 लाख का अमाउंट, आपका 3 लाख का अमाउंट। बोलता है कि कैलकुलेट 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 अर्निंग वैल्यू पर इक्विटी शेयर, पर इक्विटी शेयर इफ, नंबर ए लिखेंगे आप यहां पे, एक्स लिमिटेड इज अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। नंबर बी, एक्स लिमिटेड इज अ ट्रेडिंग कंपनी, और एक्स लिमिटेड जो है, एक्स लिमिटेड इज, चलो एनबीएफसी, कोई एनबीएफसी है, मतलब कोई भी आपका जिसमें कि हम पैसा लगाएं, यानी कि अदर केस हो गया, इन एनी अदर केस आपको यहां पे अर्निंग वैल्यू निकालना पर इक्विटी शेयर, ठीक है ना। तो जरा याद कीजिए हमने कैसे निकाला था, पढ़ो जरा, मैंने अर्निंग वैल्यू में आपको क्या लिखाया था, जरा पढ़ो मेरे साथ, पढ़ो 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 ना एक बार, ऐसे ना देखो, पढ़ो जरा अर्निंग वैल्यू में क्या लिखाया था, पढ़ो जरा, मेरे पास है वो, मैंने रखा आपके लिए यहाँ पे, पढ़िए जरा। अर्निंग वैल्यू मीन्स वैल्यू ऑफ एन इक्विटी शेयर्स कंप्यूटेड बाय टेकिंग एवरेज ऑफ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, एवरेज प्रॉफिट यानी कि कितने साल का जी, वो आगे कहीं मैंने कहा है 3 साल का, लेकिन उस प्रॉफिट में से प्रेफरेंस डिविडेंड को हटा के, और अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या नॉन रिकरिंग आइटम से उसका भी इंपैक्ट खत्म करने के बाद, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूं, कुछ और आ गया डिवाइड बाय नंबर, बट इसको पहले देखूं मैं यहां पे लिखे जो सॉल्यूशन में यहां पे कंप्यूटेशन ऑफ अर्निंग वैल्यू पर इक्विटी शेयर। मैं काम करता हूं,
तीन साल 15-16, 16-17 एंड 17-18। जरा मुझे बताओ प्रॉफिट जो क्वेश्चन बता रहा है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वो कितना आपका है? 28 लैक्स, यहाँ 35 लैक्स और यहाँ 40 लैक्स। हमने कहा इस प्रॉफिट में एक काम करो, अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स प्लस माइनस हुए उनका इम्पैक्ट खत्म कर लो। बच्चे ये रूटीन में खर्चे नहीं होते, तो अगर प्रॉफिट निकालते समय आपने इसको माइनस किया था तो आप इसको ऐड बैक कर दीजिए, यानी कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो आइटम्स हैं अगर कोई चीज़ हमने माइनस किया था प्रॉफिट निकालते समय तो ये हमेशा तो नहीं होगा, हम इसको ऐड बैक कर देंगे, मतलब इसका इम्पैक्ट खत्म। माइनस किया था तो प्लस कर देंगे, प्लस टू माइनस, यहाँ कुछ ऐसा है नहीं। तो अब हमारे पास कितना हो गया? 35 लैक्स, यहाँ पे 35 लैक्स और यहाँ पे 40 लैक्स। क्योंकि बात इक्विटी का निकालना है, तो अगर कोई डिविडेंड है, डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स, तो आप वो भी इसमें से हटा दीजिए, क्योंकि हम इक्विटी की वैल्यू निकालना चाहते हैं। मेरे बच्चे 3 लैक्स पे 12%, एक काम करता हूँ मैं इसको 30 लैक्स कर देता हूँ, थोड़ा अच्छा लगेगा आपको। और एक काम करूँ क्या, आप भी थोड़ा कर लो, ये जो 5 लाख रुपए है ना इसको 50 लैक्स कर लो आप, छोटा हो जाएगा ये। या और मज़ा लेना है, और मज़ा थोड़ा लेना है तो इसको 5 करोड़ कर दो। मतलब ये कितने शेयर्स रहे होंगे जी? ये 50 लैक्स शेयर्स रहे होंगे, शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, तभी तो 5 करोड़ बनेगा। ऐसे कर लो, अच्छा लगेगा, इसको 5 करोड़ कर लो, है ना। और ये 30 लैक्स, 30 लैक्स का जरा बताओ 12% डिविडेंड कितना हो गया? 3,60,000 हटा दो, क्योंकि हम इक्विटी पे जा रहे हैं, 360। ये मानते हुए कि तीनों साल आपके प्रेफरेंस रहे होंगे, तो हमने तीनों साल में हटा दिया। अब जरा बताओ आपका एडजस्टेड प्रॉफिट कितना निकल के आया? ये हो गया 35 लैक्स में से 360 हटा दिया, 31,40,000 यहाँ पे जी, 31,40,000 और यहाँ पे 40 लैक्स में से हमने 360 माइनस किया, 36,40,000 ये एवरेज प्रॉफिट निकल, एडजस्टेड प्रॉफिट निकल के आया। अब एक काम कीजिए आप, अब हमें क्या करना है, इनका एवरेज लेना है। तो देखो एवरेज प्रॉफिट जब लिया जाएगा, एवरेज प्रॉफिट, तो 31,40,000, 31,40,000 एंड 36,40,000 डिवाइडेड बाई 3, बताओ कितना? तो प्लस आपका 31,40,000 प्लस 31,40,000 डिवाइडेड बाई 3 जब हमने किया तो ये आ गया मेरे बच्चे 33,06,667, इतना आ गया एवरेज प्रॉफिट। अभी मैं आगे बढ़ूँ उसके पहले थोड़ा पढ़ के बता दूँ मैंने क्या किया और क्या बोला था, जरा पढ़ना अर्निंग वैल्यू के अंदर में, जल्दी से पढ़ेंगे, जल्दी से पढ़ेंगे आप। वैल्यू निकालना है ऑफ इक्विटी शेयर कंप्यूटेड बाय टेकिंग एवरेज ऑफ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एज रिड्यूस बाय प्रेफरेंस डिविडेंड, कर दिया हमने, एंड एडजस्टेड फॉर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंड नॉन रिकरिंग। एडजस्टेड का मतलब कि अगर पहले माइनस किया था तो प्लस कर दो, प्लस किया था तो माइनस कर दो, और ये फॉर इमीडिएटली 3 प्रीसीडिंग ईयर्स, 3 साल का लिया जाएगा, फर्दर डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। अब जरा आ जाओ यहाँ पे देखें कि आपका वैल्यू पर इक्विटी शेयर्स, सॉरी ये आपका वैल्यू ना बोल के हम कह दें, आपका एवरेज प्रॉफिट ज़्यादा अच्छा रहेगा, एवरेज प्रॉफिट पर इक्विटी शेयर कितना निकल के आता है। तो हम लोगों ने 33,06,667 को हमें डिवाइड करना है कितने शेयर से जी? ये आपका 50 लैक्स, ये तो बहुत गंदा हो जाएगा, एक काम करो ना, माफ़ कर दो, इससे 0 कम कर दो, 50 लैक्स ही छोड़ दो, गुस्सा नहीं करना क्योंकि फिर मैं एक्चुअली दिमाग से फिगर निकाल रहा हूँ। तो ये 50 लैक्स का अमाउंट कर दो, यानी कि ये शेयर्स जो थे ना सिर्फ 5 लाख शेयर्स हैं, 1-0 कम कर दो ऑफ ₹10, समझ लो गुस्सा नहीं करेंगे आप,
5 लाख, तो इसको 5 लाख शेयर से हमने क्या किया, डिवाइड कर दिया। अब बताओ ये कितना निकल के आ गया आपका। अगर मैं इसको 5 लाख शेयर से डिवाइड कर दूं तो मेरे बच्चे ये रुपीज आ गया 6.61, ये आ गया आपका पर इक्विटी शेयर वैल्यू। लेकिन अभी ये अर्निंग वैल्यू नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं, मैं इसको मिटा दूं इधर में आपका, कि जब आपको अर्निंग वैल्यू निकालना है तो हमें इनको कैपिटलाइज करना होता है। लिखेंगे आप यहाँ पे अर्निंग वैल्यू, अगर मैं निकालता हूँ अर्निंग वैल्यू पर इक्विटी शेयर केस वन में, केस वन में मेरे बच्चे केस वन क्या था, वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो ये जो वैल्यू आया ना 6.61, इसको कैपिटलाइज किया जाएगा। क्या रेट लिखाया था मैंने मैन्युफैक्चरिंग में, 8%, यानी कि कैपिटलाइज करने का मतलब कि डिवाइडेड बाई 8 मल्टीप्लाइड बाई 100, कैपिटलाइज वैल्यू निकाल रहा हूँ बच्चे, है ना। 6.61 जो है ये तो प्रॉफिट आया, इसको कमाने के लिए 8% से कितने कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी, तो डिवाइड बाई 8 इंटू आपका 100, ये आ गया आपका रुपीज 82.67। केस टू, अगर ये आपका ट्रेडिंग कंपनी है तो 6.61 कैपिटलाइज किया जाएगा 10% के हिसाब से, डिवाइड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई 100 आपका, तब कितना आ गया, ये आ गया 66.10। और केस थ्री जो हमारे पास है, यानी कि आपका अदर केस में 6.61 डिवाइड बाई 12 इंटू आपका 100, हम वो शेयर की वैल्यू निकाल रहे हैं जिसपे 10% के हिसाब से इतना कमाना है, 8% के हिसाब से इतना, कही आपको, तो कितना निकल के आ गया यहाँ पे 6.61 डिवाइड बाई 12 इंटू आपका 100, ये आ गया मेरे बच्चे 55.08 आपका। आई बात समझ में, बात समझ में आई, ये हमने अर्निंग वैल्यू निकाला। अब चलो बात जब उठी गई है, जब बात उठी इसकी, इसी ये कॉपी हो गया आपका, ये कॉपी हो गया सर, हाँ सर, हाँ ये तो हो गया सर, हम अर्निंग वैल्यू का सर मीनिंग समझ गए सर, हमने ब्रेकअप वैल्यू का भी मतलब समझ लिया, लेकिन सर वो फेयर वैल्यू क्या होता है, सर फेयर वैल्यू क्या होता है, एग्जाम्पल नंबर 3 लिख दो यहाँ पे, कहता है कि अर्निंग वैल्यू पर इक्विटी शेयर ये रुपीज मान लो 40 है, और ब्रेकअप वैल्यू, ब्रेकअप वैल्यू पर इक्विटी शेयर ये मान लो आपका 70 है, तो बोलता है कि कैलकुलेट फेयर वैल्यू, फेयर वैल्यू पर इक्विटी शेयर। सॉल्यूशन क्या बोला था हमने, जब भी आपको फेयर वैल्यू निकालना है मेरे बच्चे पर इक्विटी शेयर, तो जो आपका अर्निंग वैल्यू है यानी कि 40, जो ब्रेकअप वैल्यू है यानी कि 70 डिवाइडेड बाई 2, इसका मीन यानी कि एवरेज निकाल दिया जाएगा, दैट कम्स टू रुपीज 55, है ना, होगी बात, आपको मेरी बातें समझ में आ रही है नहीं समझ में आ रही, सच से बताओ, सच से बताओ, आ गई सर बातें समझ में, आ गई सर, तो ठीक है बच्चे, आज की क्लास को यहीं पर रोकेंगे, अगली क्लास में जब मिलेंगे, अभी बहुत सारी बातें करनी है हमने, अभी हम इस पर और भी एग्जांपल देखेंगे, अभी हमें प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट कितना होगा, और भी बहुत सारी बातें जो चलेंगे, और मज़ा आएगा इस चैप्टर के अंदर में, क्योंकि शक्तियाँ आपके अंदर में आ रही हैं, और वो शक्तियाँ जो आपके अंदर में आ रही है, आपको पता है कि अभी अभी तो सीनियर तो बात की बात है, सीनियर तो जब जॉब में जाएंगे तब, अभी तो आप कोई घर में अगर कोई रिलेटिव्स आपके आ गए और वो जैसे ही एंट्री करेंगे और आपको देख गए, तो फिर वो कब, वो कहाँ से कहाँ उड़ के चले जाएंगे, मतलब पीछे आपको समझ में भी नहीं आएगा, क्योंकि वो बहुत छोटे लोग हो जाएंगे आपके सामने, ठीक है ना। तो आप घमंड बिना पाले बगैर आगे बढ़ेंगे, अगली क्लास में मिलेंगे बच्चे, इसके आगे कंटिन्यू करने के लिए, अभी कोई बुक को रेफर नहीं करना है, कुछ भी बुक में नहीं देखना है, जितना करा रहा हूँ उतना ही, हाँ जितना पढ़ाया उसको पढ़ के अगली क्लास में ही बैठना आपने। चलिए तब तक सबको बाय बाय टाटा, बाय बाय टाटा, बाय बाय टाटा।